बेटा प्लीज खामोशी। अच्छा, जिनके पास ये समरीज पहले से मौजूद हैं वो कोशिश करके मत लेना, ताकि जिनके पास नहीं है उनको मिल जाए। बेटा जिनके पास हैं वो आगे फॉरवर्ड करते चले जाएं। वालेकुम सलाम, कैसे बच्चों? जिनके पास ये समरीज हैं वो आगे फॉरवर्ड करते चले जाएं बेटा। जखीरा अंदोजी से गुरेज करें। नहीं सर, एक हम अगली अटेम्प्ट के लिए रख रहे हैं भाई। इंशाल्लाह पास हो जाएगा तुम्हारा पेपर यार, क्यों रखने की जरूरत अगली अटेम्प्ट के लिए? इंशाल्लाह पास हो जाएगा। समरी बेटा, एक इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन। और आ जाएंगी, टेंशन नहीं लेनी, दिल पे नहीं लेनी कोई बात। मैं पहले जरा व्हाट्सएप वाले बच्चों को फॉरवर्ड कर दूं, वरना वो माइंड कर जाएंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों को मेरा मतलब है। कितने बच्चों को समरीज नहीं मिली है बेटा? नहीं मिली हैं, और उनके पास पहले भी नहीं थी किसी वजह से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तकरीबन 20। बेटा आ जाओ ना रूम में। उम्मीद करता हूँ ऑनलाइन वाले बच्चों को भी समरीज मिल चुकी हैं। वालेकुम सलाम बेटा, 20 और भिजवा दो समरी। तुमने कितनी भिजवाई थी? 20 और दो, ठीक है? 20, 20, 20, 20, चलो 30 दे दो, चलो 30 दे दो भाई। मिस के पास है व्हाट्सएप पे, मिस को बोलो व्हाट्सएप चेक करें, सब उनके पास है। सही है, चलो ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। नहीं, इसको नहीं कर लो, बस एक काम कर लो, देखो इस पे ना बिल्कुल ही कोई वाईफाई बिल्कुल ही स्लो आ रहा है, कोई देख लो सही वाला वाईफाई कनेक्ट कर दो, और ये बस चार्जर कनेक्ट कर दो बस। मेरे बच्चों जरा प्लीज फोकस और अटेंटिव हो जाएं सारे के सारे। एक समरी तो मुझे देनी पड़ेगी आपको, कोई एक बच्चा मुझे बस। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा बेटा, अस्सलामु अलैकुम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. But I welcome you all in today's workshop and day one of this CAF 2 workshop. Thank you. This is the last round of revision before we move on for our actual examinations. ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि बच्चों ने किसी ना किसी हद तक तैयारी अपनी कर ली होगी, कहीं से भी आपने पढ़ा इंशाल्लाह अच्छा ही पढ़ा होगा, और जो पढ़ा जितना पढ़ा उसी से इंशाल्लाह पेपर पास हो।
पेपर पास करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका कॉन्फिडेंस. इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस टू पास दिस पेपर, इंशाल्लाह पेपर पास हो जाए. लेकिन अगर आप इसी परेशानी में रहे, अरे सर ये चीज मेरी बाकी है, सर गोल्डन हैंडशेक जो है ना ये बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है. ओ भाई गोल्डन हैंडशेक आ भी गया तो दो मार्क्स का आएगा, 98% की तैयारी है उस पर कुछ नहीं होता तो. लेकिन दो मार्क्स का ईसॉस या तीन मार्क्स की एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन की एडजस्टमेंट जो आएगी उस पर तुझे परेशानी है, तो फिर मैं आपको कहूंगा कि आप नाशुक्र स्टूडेंट हैं और फिर आपका पेपर रुक जाना चाहिए. परेशान नहीं हो, परेशान नहीं हो. नहीं ना, बात यही है ना, देखो बात तो यही है, जितना हो गया उस पर अल्लाह का शुक्र हो और जो नहीं हुआ उसके ऊपर भी परेशानी ना हो, उसके ऊपर कोशिश ये हो कि हम किस तरह से उसको कवर कर लें. यानी कि वो कोई बॉटल नेक नहीं है आपके पास होने के लिए. मैं कितने ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ, अच्छे बच्चे हैं, समझ भी आती है काफी सारी चीजें, लेकिन पैनिक करने की वजह से वो पेपर अच्छा नहीं कर पाते. पैनिक, परेशानी. और ये परेशानी तब तक आपके जहनों में रहेगी जब तक आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं हो जाएगा कि हम पेपर पास कर सकते हैं, हम पेपर पास कर सकते हैं और इंशाल्लाह पेपर पास कर सकते हैं. ठीक है, जो थोड़ी बहुत कमी कसर रह गई है इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि इन तीन दिनों में हम उन कमी कसर, उस कमी कसर को भी पूरा कर दें इंशाल्लाह. क्विक रिवीजन करेंगे टर्बो मोड के ऊपर, फिर इंशाल्लाह ताला कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख लेंगे. बस यही है टैक्स और है क्या, बस यही है टैक्स और है क्या. आप देख लेंगे इंशाल्लाह कि अल्लाह के फजल से इसका ना तो ये सब्जेक्ट मुश्किल था ना इसका रिवीजन इंशाल्लाह मुश्किल होगा. ठीक है मेरे बच्चों, तो शुरू करें अल्लाह का नाम लेकर. अच्छा भाई, तो अभी देखो ये भाई आया और उसने चार्जर नहीं लगाया. सीरियसनेस, सीरियसनेस मतलब अगर अभी भी सीरियसनेस नहीं आई है तो आपको पता है मेरा अगला जुमला क्या होगा. अगर अभी तक सीरियसनेस नहीं आई है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है. अच्छा बेटा प्लीज, मैं जरा सिर्फ और सिर्फ ये लैपटॉप इसलिए करेक्ट कर रहा हूँ ताकि फिर ये जो समरीज हम रीकैप कर रहे हैं ना इसको मैं यूट्यूब पे भी डाल दूं बाद में आपकी आसानी के लिए. बेटा प्लीज, अच्छा बेटा क्या हम पहले हैंडआउट से शुरू करें. आप लोगों के पास समरी में सबसे पहला हैंडआउट कौन सा आ रहा है जरा मुझे बता दो. टैक्स ईयर एंड. तो बेटा हम अपना सबसे पहले क्विक रिवीजन स्टार्ट करते हैं. टैक्स ईयर एंड रेजिडेंशियल स्टेटस. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम.
अच्छा भाई, टैक्स ईयर एंड रेजिडेंशियल स्टेटस का बेटा क्विक रिकैप शुरू हो रहा है। बहुत ही ज्यादा आसान हैंडआउट है ये, इसके अंदर से बहुत इजी इजी चीजों को पूछा जाता है और बहुत ही इजी मार्क्स आपके लिए अवेलेबल होते हैं पेपर के अंदर। सबसे पहले इसमें डिस्कशन है टैक्स ईयर्स का। हमें पता है कि टैक्स ईयर्स कितनी तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा, जो 1 जुलाई से शुरू हो रहा है और 30 जून को खत्म हो रहा है, 12 महीनों का साल जो नॉर्मल टैक्स ईयर है। और उसका नाम क्या दिया जाता है, कैसे डिनोट किया जाता है, सर जिस कैलेंडर ईयर में वो टैक्स ईयर खत्म हो रहा है उसको वही नाम दिया जाएगा। यानी कि 30 जून 2022 में जो टैक्स ईयर खत्म हो रहा है उसे हम कहेंगे टैक्स ईयर 2022। 30 जून 2025 में जो टैक्स ईयर खत्म हो रहा होगा उसको हम कहेंगे टैक्स ईयर 2025। यानी कि अगर हम खड़े हुए हैं 15 सितंबर 2024 को तो हम किस टैक्स ईयर के अंदर सांस ले रहे हैं, टैक्स ईयर 2025। बहुत आसान बात, स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर एनी इनकम ईयर एंडिंग अदर देन 30th जून, एनी इनकम ईयर एंडिंग अदर देन 30th जून, तो वो है स्पेशल टैक्स ईयर। ये भी 12 महीनों का साल है, 30 जून के अलावा कहीं भी खत्म हो रहा है तो ये स्पेशल टैक्स ईयर। और हमने एग्जांपल देखी थी, जैसे बैंक्स हैं, इंश्योरेंस हैं, उनका साल 30 जून को नहीं 31 दिसंबर को खत्म हो रहा होता है, तो हमने कहा सर उनका फाइनेंशियल ईयर, इंटरनल फाइनेंशियल ईयर, उनका कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर तो 31 दिसंबर पर सबके लिए ही है, लेकिन उनका जो अकाउंटिंग ईयर है वो भी 31 दिसंबर को खत्म हो रहा होता है, तो इसी हिसाब से टैक्स वाले ने उनका स्पेशल टैक्स ईयर कर दिया, जो कि कब खत्म होता है, 31 दिसंबर को खत्म होता है। अच्छा, 31 दिसंबर को खत्म तो होता है, लेकिन उसको नाम क्या दिया जाएगा सर, स्पेशल टैक्स ईयर को नाम क्या दिया जाएगा, स्टार्ट हो रहा 1 जैन 2023 से, खत्म हो रहा 31 दिसंबर 2023 को, नाम क्या दिया जाएगा इसको, टैक्स ईयर देखा ये जाएगा कि ये जो ईयर एंड आ रहा है ये किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है। तो नॉर्मल टैक्स ईयर है वो है 1 जुलाई 23 से 30 जून 24। तो हमने कहा सर ये इसमें फॉल कर रहा, तो हमने कहा ठीक है ये स्पेशल टैक्स ईयर जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रहा उसी के रेफरेंस से इसको तुम नाम दे दो, इसको लकब दे दो, तो क्या टैक्स ईयर बना, नॉर्मल टैक्स ईयर 2024 है, तो ये बन गया स्पेशल टैक्स ईयर 2024। और इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी हमने देखा था, हमने ये देखा था कि स्पेशल टैक्स ईयर जिस भी कैलेंडर ईयर में खत्म हो रहा है, अगर जुलाई से जून के बीच में खत्म, सॉरी जुलाई से दिसंबर के बीच में खत्म हो रहा है, तो हमने कहा नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। और हमने कहा अगर जैन से जून के बीच में खत्म हो रहा है तो सेम कैलेंडर ईयर। ठीक है, अब देखो ये कब खत्म हो रहा है, ये जुलाई से दिसंबर में खत्म हो रहा है, किस साल में, 23 में, तो हमने कहा टैक्स ईयर हो जाएगा 2024। सिंपल। और कोई टैक्स ईयर अगर खत्म हो रहा होगा 28 फरवरी 2024 को खत्म हो रहा है तो टैक्स ईयर 2024। अच्छा भाई, उसके बाद हमने देखा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। सर क्या नॉर्मल से स्पेशल में टैक्स ईयर चेंज हो सकता है, हो सकता है, स्पेशल से स्पेशल में हो सकता है, स्पेशल से वापस नॉर्मल आ सकता है, आ सकता है, नॉर्मल से नॉर्मल हो सकता है, जरूरत ही नहीं, तो हमने कहा ये सारी की सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, कैसे होंगी, इसके लिए कमिश्नर को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, अप्लाई करना पड़ेगा, कंपेलिंग नीड शो करना पड़ेगी, अशद जरूरत शो करना पड़ेगी, कमिश्नर को अप्लाई करना पड़ेगा, कंपेलिंग नीड शो करना पड़ेगी, कमिश्नर में अप्रूव में रिजेक्ट योर एप्लीकेशन, रिजेक्ट भी कर सकता है और पहले से दी हुई परमिशन को विड्रॉ भी कर सकता है, लेकिन जो भी एक्शन आपके खिलाफ लेगा यू विल बी प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग कमिश्नर नोटिस में जो डेट इफेक्टिव डेट बताएगा उस डेट से आपका ट्रांजिशनल टैक्स स्पेशल टैक्स ईयर इफेक्टिव हो जाएगा। अच्छा, अगर आप कमिश्नर के फैसले से खुश नहीं है तो क्या कर सकते हैं आप, हमने कहा सर हम खुश नहीं है तो हम अपील करेंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमने कहा ऐसा कोई टोपी ड्रामा नहीं हो रहा,
अगर चेंज ऑफ टैक्स ईयर से रिलेटेड आप कमिश्नर के डिसीशन से खुश नहीं है, रिव्यू एप्लीकेशन में भी फाइल टू बोर्ड, बोर्ड का मतलब चेयरमैन एफबीआर, ठीक हो गई बात। अच्छा, लेकिन सर होगा ये कि नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर जो चेंज हुआ, एक तो हुआ पूरा नॉर्मल नॉर्मल टैक्स ईयर था, अज्यूम कर लो नॉर्मल टैक्स ईयर 2022, फिर सर एक स्पेशल टैक्स ईयर हमने शुरू कर दिया पहली अक्टूबर से, ये खत्म हुआ 30 जून को, और पहली अक्टूबर से नया साल शुरू कर दिया जो कि खत्म होगा कब, 30 सितंबर। ये पूरा टैक्स ईयर है, फुल नॉर्मल टैक्स ईयर, ये भी पूरा टैक्स ईयर है, फुल स्पेशल टैक्स ईयर। हमने कहा सर बीच में ये जो पीरियड यतीम रह गया, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। इसको नाम कैसे देते हैं, इसको नाम बिल्कुल वैसे ही देते हैं जैसे हम स्पेशल टैक्स ईयर को नाम देते हैं। क्या बात समझ आती है बेटा, ठीक है। और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की यही डेफिनेशन है, द पीरियड फ्रॉम द एंड ऑफ द लास्ट फुल टैक्स ईयर टिल द स्टार्ट ऑफ द न्यू टैक्स ईयर। तो जो पीरियड बीच में यतीम रह गया वही है क्या, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। इसको नाम भी उसी तरह देंगे जिस तरह स्पेशल टैक्स ईयर को नाम देते हैं। हम ये देख लेंगे कि ये जो इस ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का ईयर एंड है क्या है, 30 सितंबर है, पहली अक्टूबर से तो नया साल शुरू हो गया ना। इस ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का जो कि 12 महीने से कम का ही पीरियड होगा, इसका ईयर एंड क्या है, 30th सितंबर है। और ये 30th सितंबर हम देख लेंगे किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है, ठीक है, वही नाम इसको दे देंगे। और ये नाम देना क्यों जरूरी है, ताकि हम ये देख सकें कि इस पर कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा। क्या बात समझ आती है, और कौन से फाइनेंस एक्ट के रेट्स इस पर एप्लीकेबल होंगे। बहुत आसान बात थी। उसके बाद है हमारे पास बेटा रेजिडेंशियल स्टेटस, बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं भी आता सवाल तो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी दर्जे में ये अगर किसी सवाल में पार्ट बना दिया गया, इसकी नॉलेज पूछ ली गई, यू शुड नो इट वेरी वेल। रेजिडेंशियल स्टेटस, तो हमारे पास मोटे मोटे तीन रेजिडेंशियल स्टेटस हैं। सबसे पहला इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस, सबने कहा रेजिडेंशियल स्टेटस डिपेंड्स अपॉन द डेज ऑफ फिजिकल प्रेजेंस इन पाकिस्तान फॉर एन इंडिविजुअल। रेजिडेंशियल स्टेटस हैज नथिंग टू डू विद द नेशनलिटी और डोमिसाइल, ठीक है। और क्राइटेरिया क्या था, 183 और मोर डेज, 183 और मोर डेज है तो रेजिडेंट है, और अगर तो 183 से कम डेज के लिए किसी टैक्स ईयर में कोई इंडिविजुअल प्रेजेंट है तो वो नॉन रेजिडेंट है। फिर एक रूल 14 था, ठीक है, टू एस्टैब्लिश द रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। पार्ट ऑफ द डे दैट एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान विल बी काउंटेड एज अ होल डे। पार्ट ऑफ द डे का मतलब क्या है, डे ऑफ अराइवल इन पाकिस्तान, डे ऑफ डिपार्चर, डे ऑफ हॉलीडे, लीव, लॉकआउट या डे प्रेजेंट और उसमें लॉकआउट है, डिले इन रिसीट ऑफ सप्लाईज है, कुछ भी है, वो सारे के सारे डेज क्या होंगे, काउंट होंगे फॉर द पर्पस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। कौन सा दिन काउंट नहीं होगा, द डे फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट, सोली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट, वो डे काउंट नहीं होगा। कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस, हमने कहा सर अगर प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट है तो वो तो है ही रेजिडेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहाँ की रेजिडेंट होगी, यहीं की रेजिडेंट होगी। लेकिन कोई ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान में पैदा हो गई, इनकॉर्पोरेट हो गई, तो वो भी पाकिस्तान में ही रेजिडेंट है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान। और दूसरी बात क्या थी, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अफेयर्स होली इन पाकिस्तान, अगर उसके मैनेजमेंट और कंट्रोल पूरा के पूरा पाकिस्तान में है तो भी वो रेजिडेंट कहलाएगी, ठीक हो गई बात। जो हमने इसकी एक एग्जांपल देखी थी, कौन सी एग्जांपल थी, कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है लेकिन वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में इन्वॉल्व है और वो पाकिस्तान में ही उसके पूरे ऑपरेशंस है, तो हमने कहा ये ऐसा केस है, स्पेशल केस है कि जिसमें आमतौर पर फॉरेन कंपनी भी रेजिडेंट हो जाती है। फिर हमने देखा था एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी को देखा था हमने, एओपी के लिए रेजिडेंशियल क्राइटेरिया क्या था, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अफेयर्स होली और पार्टली इन पाकिस्तान। और इस पार्टली के अंदर सारा पार्टली आ जाता है, इस पार्टली के अंदर पार्ट ऑफ द ईयर भी आ जाता है, अगर एक महीने के लिए भी कोई एओपी पाकिस्तान में ऑपरेटिव थी तो वो एओपी रेजिडेंट हो गई, पांच में से एक पार्टनर भी पाकिस्तान में मौजूद है तो वो एओपी रेजिडेंट हो गई। क्या बात समझ आती है, अच्छा अगर रेजिडेंट हो गई तो क्या ऐसा गुना कर दिया, क्या होगा सर, फिर क्या होगा, हमने कहा सर अगर रेजिडेंट हो गई,
रेजिडेंट पर्सन विल बी टैक्सेबल फॉर हिज वर्ल्ड ओवर इनकम। तो फिर ना सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पर टैक्स लगेगा बल्कि फॉरेन सोर्स इनकम पर टैक्स लगेगा। पाकिस्तान सोर्स इनकम मतलब जो पाकिस्तान में कमाई, आसान अल्फाज में जो पाकिस्तान में कमाई, और फॉरेन सोर्स इनकम जो बाहर कमाई। तो अगर कोई बंदा रेजिडेंट है तो उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम भी पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी, फॉरेन सोर्स इनकम भी पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी, सब्जेक्ट टू टैक्स ट्रीटी। टैक्स ट्रीटी दो मुल्कों के दरमियान हुआ किया जाने वाला एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कंट्रीज आपस में एग्री करते हैं कि ठीक है अगर इस इनकम पर हमने टैक्स ले लिया तो आप नहीं लीजिएगा, इस पर आप ले लें तो हम नहीं लेंगे। अगर कोई इनकम टैक्स ट्रीटी के लिहाज से कोई फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल नहीं है पाकिस्तान में तो फिर हम उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। क्या ये बात समझ आती है बेटा? क्या फॉरेन सोर्स इनकम की टैक्सेबिलिटी से बचने के लिए कुछ तरीके हैं? बिल्कुल तरीके हैं सर, बिल्कुल तरीके हैं, तभी अच्छे तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं बेटा? अच्छा भाई, सबसे पहला फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ अ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ अ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, क्या कंडीशन है फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ अ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की? हमने कहा सर ये अप्लाई होगी एग्जेम्पशन इंडिविजुअल पर। दूसरी बात, वो रेजिडेंट भी हो, अगर रेजिडेंट है ही नहीं तो फिर तो हम फॉरेन सोर्स इनकम की एग्जेम्पशन की बात ही नहीं कर सकते। उसकी फॉरेन सोर्स इनकम तो पाकिस्तान के टैक्स स्कोप से ही बाहर हो जाती है। तो हमने कहा रेजिडेंट भी हो, इंडिविजुअल भी हो, रेजिडेंट भी हो, और रेजिडेंट सोलली फॉर द रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, and his presence in Pakistan does not exceed 3 साल से ज्यादा की प्रेजेंस ना हो या होने की उम्मीद ना हो। अगर ऐसा कंडीशन, ऐसा क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है, इसका मतलब यह है कि वो इंडिविजुअल शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है। और अगर कोई शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है तो हम उसको कह रहे हैं कि ठीक है भाई, अब हम तुम्हारी फॉरेन सोर्स इनकम की जान बख्शी कर देंगे और उसे पाकिस्तान में टैक्स नहीं करेंगे। लेकिन तुम भी एक बात का ख्याल रखना कि फॉरेन सोर्स इनकम को पाकिस्तान में लाकर हमारी नीयत को खराब मत करना, वरना हम फिर उसको टैक्स कर देंगे। ठीक है, सो ये एग्जेम्पशन सिर्फ उस फॉरेन सोर्स इनकम पर अप्लाई होगी व्हिच इज नॉट ब्रॉट और रिसीव्ड इन पाकिस्तान। और ये एग्जेम्पशन उस पर भी अप्लाई नहीं होगी कि अगर कोई बंदा बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए पाकिस्तान आ जाए, उस पर भी अप्लाई नहीं होगी। रिकैप हो गया। अगला क्या था? फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ अ रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट। फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ अ रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट। रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट सबसे पहले तो ये एग्जेम्पशन किस किस पर अप्लाई होगी जल्दी से बता दो। अच्छा भाई, इंडिविजुअल भी हो, सिटीजन भी हो, रेजिडेंट भी हो, बिल्कुल ठीक। और अगली कंडीशन, नॉन रेजिडेंट इन फोर प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स। तो हमने कहा अब उसकी फॉरेन सोर्स इनकम की हम जान बख्श देंगे। सर किन किन सालों में जान बख्शेंगे आप? हमने कहा फर्स्ट ईयर ऑफ बीइंग रेजिडेंट एंड सेकंड ईयर ऑफ बीइंग रेजिडेंट। फर्स्ट ईयर ऑफ बीइंग रेजिडेंट एंड सेकंड ईयर ऑफ बीइंग रेजिडेंट, ये अल्फाज ऑर्डिनेंस में लिखे हुए, हमने आसानी के लिए लिखे थे। इसका मतलब ये है कि एग्जेम्पशन मिलेगी पहले साल ऑफ बीइंग रेजिडेंट। मिसाल के तौर पर अगर कोई कोई बंदा, ये स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2021 से स्टार्ट हो रहा 30 जून 22, और कोई अल्लाह का नेक बंदा 1 मार्च 2022 को पाकिस्तान आ जाता है, तो जरा मुझे बता दो, मुझे जरा ये बता दो कि इसकी फॉरेन सोर्स इनकम किन 2 सालों में एग्जेम्प्ट होगी? वेरी गुड, क्योंकि सर इसमें तो ये है ही नॉन रेजिडेंट, तो पहला साल रेजिडेंस का होगा ही कब? टैक्स ईयर 23 और दूसरा साल टैक्स ईयर 24। तो हमने कहा ये 2 सालों में ये रेजिडेंट होगा और इसकी एफएसआई क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और एक बात याद रखना, इसमें ब्रॉड रिसीव्ड का क्राइटेरिया नहीं है, मिक्सअप मत करना, मिक्सअप मत करना। सर गलती से लॉ वाला भूल गया होगा ना, ऊपर से उठा के नीचे भी डाल देते क्राइटेरिया, वो भी आपकी अटेम्प्ट फिर मार्च 22 से सितंबर 22 कर देगा। सीओटी की हरकतें करने की जरूरत नहीं है। और हमारे पास और क्या एग्जेम्पशन थी? और सर फिर एग्जेम्पशन थी फॉरेन सोर्स इनकम की, नहीं इनकम की नहीं, फॉरेन सोर्स सैलरी की एग्जेम्पशन है। 2 एग्जेम्पशन है। पहली एग्जेम्पशन फॉरेन सोर्स सैलरी की क्या थी? सर फॉरेन सोर्स सैलरी पर अगर फॉरेन कंट्री के एम्प्लॉयर ने टैक्स डिडक्ट कर लिया है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जमा हो गया या होने का इरादा है,
तो अब वो पाकिस्तान में डबल टैक्स, लेकिन सर आपको तो पता ही नहीं है टैक्स ट्रीटी थोड़ी है। हमने कहा टैक्स ट्रीटी हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉरेन कंट्री के अंदर अगर फॉरेन सोर्स सैलरी के ऊपर टैक्स डिडक्ट हो गया तो अब पाकिस्तान में उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लेंगे, मैली नजर से नहीं देखेंगे। और दूसरा केस क्या था, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के लिए है दूसरी वाली एग्जेम्प्शन, किसके लिए, citizen of Pakistan, a citizen of Pakistan leaves Pakistan during tax year and remains abroad during that tax year. तो हमने कहा अब उसकी भी foreign source salary के ऊपर हम बुरी नजर नहीं डालेंगे। इसकी मैंने example दी थी, मिसाल के तौर पर कोई CA का student qualify हो गया, January में उसका result आया, Feb में उसकी हुई job UAE के अंदर, UAE में job हो गई, वो चला गया, है तो पाकिस्तान में resident। मिसाल के तौर पर job हुई है पहली Feb 2022 को, चला गया दुबई चला गया, तो 2022 में पाकिस्तान में रेजिडेंट है या नहीं है, बिल्कुल है। अब सर उसने अगर उन 5 महीनों में 20,000 दिरहम के हिसाब से, 5 महीने मल्टीप्लाई बाय 20,000 दिरहम कितने हो गए, 1,00,000 दिरहम, सर 1,00,000 दिरहम कमा लिए उसने और है वो पाकिस्तान में रेजिडेंट, तो क्या ये फॉरेन सोर्स सैलरी पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी। हमने कहा पहली बात तो ये बताओ कि क्या उस फॉरेन सोर्स सैलरी पर फॉरेन कंट्री के एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा है। हमने कहा सर दुबई में तो टैक्स होता ही नहीं, इनकम टैक्स नहीं होता दुबई में, तो फॉरेन कंट्री में फॉरेन एम्प्लॉयर ने सैलरी पर टैक्स नहीं काटा। तो हमने कहा एक एग्जेम्पशन, पहली एग्जेम्पशन तो अप्लाई नहीं हो रही इस पे, आओ दूसरी एग्जेम्पशन चेक करते हैं। सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लीव्स पाकिस्तान ड्यूरिंग टैक्स ईयर एंड रिमेंस अब्रॉड ड्यूरिंग दैट टैक्स ईयर। अच्छा, टैक्स ईयर के इख्तिताम तक वो बाहर ही था या वापस आ गया। अपने कहा नहीं सर, उसकी मंगनी थी 25 जून को और वो वापस आ गया और फिर हो गया है 3 जुलाई को। मैंने कहा भाई अब ये केस खराब हुए, अगर तो वो मंगनी करने के लिए ना आता, मंगनी डिले कर देता अपनी, तो फिर उसकी सैलरी पर टैक्स बच जाता माजरत के साथ, ठीक है। ईयर एंड तक आपने बाहर ही रहना है, ईयर एंड पर अगर आप आ गए तो टैक्स वाला कहता है फिर मुझे याद आ जाएगा कि मैंने तुझसे क्या लेना है, टैक्स देना है, वरना कोई बात नहीं तुम 1 जुलाई को आओगे तो फिर मैं भूल जाऊंगा। क्लियर, पहला एंड आउट खत्म, चले अगले एंड आउट पे। हैंड आउट दे दें सर, जी बेटा दिलावर जखीरा अंदोजी नहीं करनी है। इसमें रेजिडेंट की कंडीशन अप्लाई नहीं होगी बेटा, मेरे बच्चे मैंने एग्जाम्पल देते हुए सबसे पहले क्या कहा, रेजिडेंट है, रेजिडेंट है, रेजिडेंट है। अगर रेजिडेंट ही नहीं है, अगर रेजिडेंट ही नहीं है तो मुझे क्या कोई एग्जेम्पशन अप्लाई करने की जरूरत है, तो मुझे फॉरेन सोर्स इनकम की कोई एग्जेम्पशन अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। डिडक्टेबल अलाउंस, जल्दी जल्दी होगा भाई, जल्दी जल्दी होगा, टाइम शॉर्ट, वक्त का मुकाबला सा। डिडक्टेबल अलाउंस, डिडक्टेबल अलाउंस इज अ मैटर ऑफ 5 मिनट्स। बेटा प्लीज बात नहीं होंगी। डिडक्टेबल अलाउंसेस, हमने कहा डिडक्टेबल अलाउंसेस आर द डिडक्शंस फ्रॉम टोटल इनकम, आर द डिडक्शंस फ्रॉम टोटल इनकम। ये ऐसी डिडक्शंस हैं जिन पर किसी एक हेड की इजारादारी नहीं है, ये टोटल इनकम में से लेस होती हैं। एक तो होती है एडमिसिबल डिडक्शंस, जो हर हेड, हर रिस्पेक्टिव हेड में से उस हेड के एक्सपेंसेस को हम लेस करते हैं ताकि उस हेड की इनकम तक पहुंच सके। कुछ ऐसी डिडक्शंस होती हैं विच आर डिडक्शंस फ्रॉम टोटल इनकम, विच आर कॉल्ड डिडक्टेबल अलाउंसेस, डिडक्टेबल अलाउंसेस, जिसमें सबसे पहली थी हमारे पास ज़कात, ज़कात अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। हमने कहा कोई ज़कात अगर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत दी की गई है तो उस पर डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा। ये वो ज़कात होती है जो सेंट्रल ज़कात फंड में जा रही होती है। इसकी एग्जाम्पल देखी थी हमने, नंबर वन डिविडेंड के ऊपर जो ज़कात कटती है वो होती है अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। नंबर टू, पहली रमजान को सबको फोन आना शुरू हो गया होगा,
जिसका सेविंग अकाउंट होगा, जिसके सेविंग अकाउंट में पैसे होंगे और जिसकी रिलेशनशिप मैनेजर से अच्छे रिलेशनशिप होंगे, तो उसको फोन आएगा बैंक से, लेकिन आपका ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म हमारे पास नहीं है, तो आप अगर ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करा देंगे तो आपकी ज़कात हम नहीं काटेंगे, ठीक है। तो पहली रमजान को बैंक ज़कात काटेगा, वो भी कहाँ जाएगी, सेंट्रल ज़कात फंड में जाएगी, और प्रॉफिट ऑन डेट पे भी ज़कात कटती है, प्रॉफिट ऑन डेट पे भी ज़कात कटती है, वो भी सेंट्रल ज़कात फंड में ही जाती है। तो इसका मतलब कि सर ये सारी जकात है अंडर जकात एंड उशर ऑर्डिनेंस, लेकिन फिर सेक्शन एक बार बड़ी क्लियरली कहता है कि जो जकात प्रॉफिट ऑन डेट की जकात है ना, वो डिडक्टेबल अलाउंस ट्रीट नहीं होगी, वो डिडक्टेबल अलाउंस ट्रीट नहीं होगी। क्या बात समझ आती है? इसका मतलब कि हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर जकात बैंक ने काटी है तो क्या वो पीओडी की जकात है, पीओडी मतलब प्रॉफिट ऑन डेट, क्या वो पीओडी की जकात है या नहीं है। अगर आपको पीओडी गिवन है 1 लाख और उस पर कह दिया गया कि टैक्स कटा है 15,000, पीओडी कितना है 1 लाख, टैक्स कितना कटा है 15,000, और साथ में बैंक ने जकात भी काटी है, साथ में बैंक ने जकात भी काटी है और वो काटी है 2,500, अज्यूम करो, तो मुझे बताओ क्या ये पीओडी की जकात है, क्या ये पीओडी की जकात है? ये पीओडी की जकात नहीं है, ये पीओडी की जकात नहीं है, ये पीओडी की जकात नहीं है। वजह इसलिए नहीं है पीओडी की जकात, क्योंकि पीओडी पे जकात लगती कैसे, हमने कहा जो ग्रॉस पीओडी, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन डेट होता है, जो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन डेट होता है, बहुत माजरत में इंक भरवाना भूल गया, अभी भरवाते हैं इसमें इंक, जो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन डेट होता है मिसाल के तौर पर 1,00,000, उसमें से पहले क्या लेस होती है, पहले जकात लेस होती है। अगर मैं समझूं कि ये पीओडी की जकात है, तो पीओडी नेट पीओडी कितना आ गया 97,500, फिर टैक्स इस पर लग रहा होगा, बेटा इस बैंक भर दो, मैंने भरवाई थी कि नहीं भरवाई थी, नहीं भरवाई ना, तभी मसला हुआ। टैक्स है 15%, इस पर टैक्स लगेगा 15%, इस पर लगाओ 15%, 1,465, बताओ टैक्स कितना है, टैक्स कितना कटा है। और अगर मैं ये अज्यूम करूं कि ये जकात पीओडी की है, तो टैक्स कितना होना चाहिए था, 14,625। इसका मतलब कि ये जकात पीओडी की जकात, ये जकात पीओडी की जकात नहीं है। क्या बात समझ आती है? अगर ये जकात पीओडी की जकात नहीं है और बैंक ने काटी है, तो क्या इस पर डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा? उसूलन इस पर डिडक्टेबल अलाउंस मिलना चाहिए। क्या बात समझ आती है? तो थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल करना। हाँ बेटा, मार्कर लाइट है, अभी डार्क आ रहा है, तबीयत से डार्क आ रहा है, मान रूप का थोड़ा सा जरा गुजारा कर लो इस एग्जाम्पल के लिए। तो हमने कहा ये देख लेना, आंखें बंद करके अंधाधुंध मत करना, ये देख लेना जकात पीओडी की है या नहीं है। ठीक होगी बात, क्लियर है ये सबको? क्योंकि पीओडी की जो जकात लेस होती है, फिर होता है टैक्स, नेट ऑफ जकात पे टैक्स लगता है, नेट ऑफ जकात पे टैक्स लगता है। क्लियर है? नेक्स्ट, ये रिपीट कर दें, शहीद पिटाई हो जाएगी तुम्हारी, मेरे अदब करने के बाद तुम बोलते हो रिपीट कर दें, चले अब छोड़े, नहीं मैं रिपीट फिर से कर देता हूँ। देखो, प्रॉफिट ऑन डेट पर टैक्स लगता है नेट ऑफ ज़कात। अगर एग्जामिनर ने कह दिया ग्रॉस पीओटी है 1,00,000, टैक्स उस पर कटा है 15,000 का, टैक्स कितना कटा है 15,000 का, इसका मतलब ये है कि जो ज़कात गिवन है वो प्रॉफिट ऑन डेट की नहीं है, वो प्रॉफिट ऑन डेट की नहीं है। क्या बात समझ आती है?
WWF का कंट्रीब्यूशन अगर गिवन है तो डिडक्टेबल अलाउंस उस पर भी मिल जाएगा, WPPF का कंट्रीब्यूशन गिवन है तो डिडक्टेबल अलाउंस उस पर भी मिल जाएगा, लेकिन अगर बिजनेस इनकम के अंदर WWF और WPPF को लेस किया हुआ है तो क्या करेंगे? एडबैक करेंगे, क्योंकि इस पर बिजनेस इनकम की इजारादारी नहीं है, इसे हम बिजनेस इनकम के अंदर ऐड कर देंगे अगर लेस हुआ है तो। और इसे कहां से लेस करेंगे? टोटल इनकम में से लेस करेंगे। वेरी गुड, WWF WPPF दोनों टोटल इनकम में से लेस होगा। फिर आता है हमारे पास प्रॉफिट ऑन डेट अंडर हाउसिंग फाइनेंस स्कीम, तो ये किसको मिलेगा? ये डिडक्टेबल अलाउंस किसको मिलेगा? ये डिडक्टेबल अलाउंस इंडिविजुअल को मिलेगा। किस लोन पर मिलेगा सर? जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए लिया जाए, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस या एक्विजिशन ऑफ न्यू हाउस के लिए लिया जाए, और किससे लिया जाए? बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट स्कीम, ब्ला ब्ला जो पूरी लिस्ट गिवन है, या लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी जब इसमें आ गया तो इसका मतलब कि अगर लिस्टेड कंपनी का कोई एम्प्लॉय अपनी कंपनी से लोन लेता है फॉर हाउसिंग फाइनेंस पर्पसेस, तो वो भी इस सेक्शन की डिडक्टेबल अलाउंस के लिए एलिजिबल हो जाएगा। लिमिट क्या है? लोअर ऑफ एक्चुअल मार्कअप 2 मिलियन, 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम। अगला डिडक्टेबल अलाउंस एजुकेशनल एक्सपेंसेस, किसको मिलेगा? इंडिविजुअल को मिलेगा। किस रिस्पेक्ट में मिलेगा? इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्यूशन फी पेड। लेकिन एक और कंडीशन भी है, टैक्सेबल इनकम शुड बी लेस देन 1.5 मिलियन, वरना नहीं मिलेगा। ये कौन सी टैक्सेबल इनकम की बात हो रही है? फाइनल वाली की बात हो रही है? नहीं बेटा, ये अलाउंस कैलकुलेट करने से पहली वाली टैक्सेबल इनकम की बात हो रही है, समझ लो बात को। अभी इसकी एग्जांपल छोटी सी करके दिखाता हूं मैं तुझे। लिमिट क्या? 5% ऑफ ट्यूशन फी, 60,000 इनटू नंबर ऑफ चिल्ड्रन, 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, व्हिचएवर इज लोअर। टोटल इनकम, मिसाल के तौर पर 25 लाख, लेस कर दो जकात। जकात की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन ये कौन सी जकात होनी चाहिए? अंडर जकात एंड ओशर ऑर्डिनेंस। हमने कहा 2.5 लाख की जकात आप इसमें से लेस कर दो सर, कितने बचे? 2250। सर अब इसमें से लेस होगा पीओडी, अभी समझो WWF और WPPF नहीं है, पीओडी अंडर हाउसिंग फाइनेंस, सर वो लेस होगा, वो लेस होगा। अच्छा भाई कितना लेस होगा? सर एक्चुअल पीओडी जो है ना, जो एक्चुअल पीओडी है, एक्चुअल पीओडी दिया है हमने 50,000। कितना एक्चुअल पीओडी कितना है? 150 कर दो उसको। एक्चुअल पीओडी कितना है? 1,50,000। तो हमने कहा 3 लिमिट्स, पहली एक्चुअल पीओडी लिमिट पता लग गई, दूसरा 2 मिलियन, 2 मिलियन तो एब्सोल्यूट लिमिट है, तीसरा 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम। कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम इस पीओडी के लिए टैक्सेबल इनकम है, जो अमाउंट यहां आने वाली है इसके लिए टैक्सेबल इनकम कौन सी है? इसके लिए टैक्सेबल इनकम वो टैक्सेबल इनकम नहीं है जो फाइनल टैक्सेबल इनकम है, नो। इसके लिए फाइनल वाली टैक्सेबल इनकम नहीं है, इसके लिए टैक्सेबल इनकम वो है जो यहां आने वाली है, जो यहां आने वाली है, जो यहां आने वाली है। इसका मतलब कि सर ये जो लिमिट है, ये 50% ऑफ दिस होनी चाहिए। हाँ, इसका मतलब यह है सर कि ये आपने कहा इसके लिए ये अमाउंट जो आएगी ये इसके लिए 100% ऑफ टैक्सेबल इनकम है, और ये अमाउंट 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम है। तो इसका मतलब कि सर ये कितनी होगी? ये 150 होगी, जिसमें से 50 लेस होके क्या आ गया? 100%। इसका मतलब ये है कि बहुत आसान हो गया सर, अब ये अमाउंट निकालना हमारे लिए क्या हो गया? बहुत आसान हो गया। इसको डिवाइड करो 150% से, मल्टीप्लाई कर दो 50% से, क्या बेटा? 750,000। 750,000 तो तीसरी अमाउंट आ गई कितनी? क्या आवाज नहीं आ रही है?
अच्छा बेटा, तो इधर क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने, क्या आ गया यहाँ पे 750। लेकिन हमने ये अज्यूम अभी क्या किया था कि अगर अज्यूम करो यहाँ पर टीआई वाली लिमिट एप्लीकेबल है, अज्यूम करेंगे पहले। अच्छा, लेकिन हमने अज्यूम किया और हमारी अजम्पशन गलत निकली, तीनों में से लोअर कौन सा है? 150। तो यहाँ पे लेस क्या होगा? 150 करो लेस, 21 लाख। अच्छा, अब जो ये बात लिखी हुई थी, अब जो ये बात लिखी हुई थी कि टैक्सेबल इनकम लोअर देन 15 लाख, लोअर देन 15 लाख, ये कौन सी टैक्सेबल इनकम की बात हो रही थी? इसकी बात हो रही थी, क्लियर है? तो हमने कहा अभी लेस करेंगे हम एजुकेशनल एक्सपेंसेस का अलाउंस लेस होगा, और उसके बाद जो आएगी वो होगी फाइनल टैक्सेबल इनकम। ये जो 15 लाख की बात हो रही है, ये इधर वाले की बात नहीं हो रही है, इधर वाले की। ये बात समझ आती है बेटा? ये याद रख लेना। अच्छा, फिर इसके लिए भी वही हरकत करेंगे हम, क्या हरकत करेंगे? यही वाली हरकत इसके लिए भी करेंगे। अब मैं करके नहीं दिखा रहा, पता लग गई आपको, ठीक है? यही चीज इधर भी करेंगे, ठीक है बेटा? अल्लाह खैर करे। चलो, एजुकेशनल एक्सपेंसेस ठीक हो गई बात। चलो आगे चलते हैं, तो डिडक्टेबल अकाउंट से सबको क्लियर हो गए? यस सर। आगे आ जाओ, आगे से मुराद अगले हैंडआउट पे आ जाओ। टैक्स क्रेडिट्स, जी बच्चा, ये रिपीट कर दूं? नहीं, कर देंगे रिपीट कर देंगे हम बच्चे के लिए, मेरी बात सुन लो। अभी वो स्टेज आ गया है कि अगर लॉजिक समझ ना भी आए तो जो मैं बताऊं उस पर अमल कर लो, कामयाब हो जाओगे इंशाल्लाह। सही है, सीधी सी बात है ना? अब देखो, लॉजिक समझने समझाने का टाइम थोड़ा सा दूर हो गया, माइंड निकलना, लेकिन कोई बात नहीं, पेपर के बाद फिर समझ लेंगे, नहीं आएगा समझ में आ जाना कभी भी भाई। इल्म सीखने की तो कोई हद नहीं है ना, पेपर पास हो जाएगा तो क्या आप कोई चीज सीख ही सकते हैं? सीख सकते हैं। अच्छा, करना ये है सिर्फ कि ये 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम की लिमिट निकालने के लिए इसको डिवाइड बाय 150 करो, मल्टीप्लाई बाय 50 करो, बस क्लियर है? इतना याद रखिए, बस फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर पीओटी हाउसिंग फाइनेंस वाला आ गया और टैक्सेबल इनकम की लिमिट निकालनी है तो ये जो अमाउंट है इसको करो डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 50, और एजुकेशन अलाउंस की लिमिट निकालनी है टैक्सेबल इनकम वाली तो इसको डिवाइड करो 125 से, मल्टीप्लाई करो 25 से, बस ठीक है? टेंशन नहीं लेनी, टेंशन लोगे तो परेशान हो जाओगे। हैंडआउट बेटा, कितने हैंडआउट बांटूं, मतलब कैसी बातें करते हो यार? बेटा क्या ऑनलाइन वाले बच्चों की स्ट्रीमिंग ठीक हो रही है? ऑनलाइन वाले बच्चों की स्ट्रीमिंग, ये अकबर हुसैन तुम्हारा नेट जस्ट वो सही नहीं चल रहा, पीटीसीएल होगा। अच्छा भाई, अच्छा अभी भी कितने बच्चों को समरी का हैंडआउट नहीं मिला है? अबे ये कहां कहां से उठ उठ के आ रहे हो, तुम लोग पहले मौजूद नहीं थे, तुम लोगों को तो क्लास में रेगुलर में मिले हुए हैं हुज़ैफा। चलो थोड़े शेयर कर लो बेटा, अभी तरह शेयरिंग इज केयरिंग, व्हाट्सएप पे खोल लो, लेकिन खोल लो अपने पास, हाँ व्हाट्सएप पे खोल लो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फिजिकल क्लास में बेटा थोड़ी ही सी जगह है, आना तो आ जाना। अच्छा, टैक्स क्रेडिट, हमें बताए टैक्स क्रेडिट भी एक बेनिफिट है टैक्स पेयर के लिए, तो इस मुल्क में बेनिफिट ही बेनिफिट है। पहले डिडक्टेबल अलाउंस, टैक्स क्रेडिट, लेकिन हमें पता है कि पहले हम टैक्स रेट अप्लाई करते हैं,
ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं फिर टैक्स क्रेडिट लेस करते हैं, ये बात सबको पता है ना। टैक्स क्रेडिट में सबसे पहला टैक्स क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट में सबसे पहला टैक्स क्रेडिट इज फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फॉरेन टैक्स क्रेडिट, फॉरेन टैक्स क्रेडिट किसको मिलता है सर? फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलता है रेजिडेंट को। एक और भी कंडीशन है सर, ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट सिर्फ उसी को मिलता है जिसकी फॉरेन सोर्स इनकम डबल टैक्स हो रही हो। टैक्स क्रेडिट, फॉरेन टैक्स क्रेडिट किसको मिलता है? रेजिडेंट को मिलता है, रेजिडेंट को मिलता है। फॉरेन सोर्स इनकम जिसकी पाकिस्तान में टैक्सेबल हो रही हो और टैक्स ट्रीटी भी ना हो, टैक्स ट्रीटी भी ना हो। अच्छा, इसके अंदर एक बात और भी लिख लो मेरे बच्चों, जिसकी एफएसआई डबल टैक्स हो रही हो, एफएसआई डबल टैक्स, ठीक है, जिसकी एफएसआई क्या हो रही हो, डबल टैक्स हो रही हो, तब मिलेगा ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट, वरना नहीं मिलेगा। अच्छा, अगला पॉइंट जो हमने लिखा है उससे ये क्रिस्टल क्लियर है कि डबल टैक्स की बात हो रही है। टैक्स पेड या पेबल ऑन एफएसआई इन फॉरेन कंट्री, यानी वहां भी टैक्स पेबल है, यहां भी टैक्स पेबल। अच्छा, लिमिट क्या है? लिमिट इंपॉर्टेंट है। फॉरेन इनकम टैक्स पेड एंड फॉरेन टैक्स पेबल ऑन एफएसआई एट एवरेज रेट ऑफ टैक्स, याद रहेगी, आसान लिमिट है। अच्छा, और हमें यह भी पता है कि अगर फॉरेन कंट्री में 2 साल तक आपने फॉरेन इनकम टैक्स पे ना किया तो फिर तीसरे साल में क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन, हमने कहा सर बोर्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश अंडर फेडरल लॉ प्रोविंशियल लॉ, जिसके अंदर मैट्रिक बोर्ड आ गया आपका, इंटर बोर्ड आ गया आपका, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज आ गई आपकी, फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट का एस्टेब्लिश किया हुआ कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, यानी कि गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिसमें आपके गवर्नमेंट स्कूल आ गए, गवर्नमेंट कॉलेजेस आ गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट रिलीफ फंड है, अप्रूव्ड एनपीओ, एनपीओ की डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होगी, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो अप्रूव्ड हो फ्रॉम टैक्स अथॉरिटीज, या वो एंटिटीज जो मेंशनड है इन 13th शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, यानी कि जो पिछले अटेम्प्ट के बच्चे हैं जिन्होंने क्लासेस नहीं ली हैं उनको। अच्छा, साथ साथ में अच्छा ये भी बताता रहूं, मेरे दिमाग में अभी ये बात आई है, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो लास्ट अटेम्प्ट के होंगे जिन्होंने क्लासेस नहीं ली होंगी, चेंजेस उनको बहुत ज्यादा पता नहीं होंगी। पहली चेंज जो हमने पढ़ी थी वो थी टैक्स ईयर रेजिडेंशियल स्टेटस के हैंडआउट में, जिसमें रेजिडेंशियल स्टेटस में अब सिर्फ 183 दिन वाला स्टेटस है, दूसरा वाला क्राइटेरिया खत्म हो चुका है। और दूसरी बात, ये चेंज जो हम पढ़ रहे हैं, सॉरी दूसरी चेंज आई सेकंड हैंडआउट में, डिडक्टेबल अलाउंस वाले हैंडआउट में, जहां पे सेकंड शेड्यूल को खत्म कर दिया गया है, सेकंड शेड्यूल की डिडक्टेबल अलाउंसेस को खत्म कर दिया गया, डोनेशन वाली। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले हैंडआउट में रेजिडेंशियल स्टेटस 183 डेज वाला ही है दूसरा खत्म, दूसरे हैंडआउट में सेकंड शेड्यूल की जो डोनेशंस थी वो खत्म, तीसरे हैंडआउट में पहली चेंज आ रही है टैक्स क्रेडिट के अंदर, डोनेशन ऑन टैक्स क्रेडिट में 13th शेड्यूल की डोनेशंस को इंक्लूड कर दिया गया है, बात समझ आती है? उसमें भी अब क्या मिला करेगा? टैक्स क्रेडिट ही मिला करेगा, वही सेकंड शेड्यूल वाली इंस्टीट्यूशन को 13th शेड्यूल में डाल दिया गया है और अब उस पर डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? यानी कि इन शॉर्ट अब जितने भी डोनेशन है अगर उस पे कोई टैक्स बेनिफिट मिल रहा है तो वो टैक्स क्रेडिट ही होगा, क्या बात समझ आती है? बैंकिंग चैनल कंपलसरी है, कैश में दिया जाने वाला डोनेशन काबिले कबूल नहीं होगा। डोनेशन इन काइंड की वैल्यू एज पर रूल 228 सब रूल 4, ये आपको अच्छे से याद होगा। लिमिट क्या है? एवरेज रेट ऑफ टैक्स, लोअर ऑफ एवरेज रेट ऑफ टैक्स से क्या चीज मल्टीप्लाई होगी? एवरेज रेट ऑफ टैक्स से सर एवरेज रेट ऑफ टैक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस अंडरलाइन से,
और इसमें आएगा लोअर ऑफ, ठीक है, किस तरह से एवरेज रेट ऑफ टैक्स ऑन लोअर ऑफ एक्चुअल डोनेशन या फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ डोनेशन, 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एओपी एंड 20% इन केस ऑफ कंपनी, हाफ लिमिट्स इन केस ऑफ डोनेशन टू एसोसिएट। अगले टैक्स क्रेडिट पे आ जाओ, टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, सुकूक्स, ईटीएफ, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगा किसको? रेजिडेंट को, अदर देन कंपनी, कंपनी को नहीं मिलेगा। किस पर मिलेगा सर? अगर तो इन्वेस्टमेंट की आप बात करें, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की, तो न्यू शेयर्स कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट ऑन न्यू शेयर्स ऑफर्ड टू पब्लिक बाय अ लिस्टेड कंपनी एज ओरिजिनल एलॉटी, यानी कि बात हुई थी हमारी गर्मा गर्म ताजे ताजे शेयर्स जो शेयर होल्डर को नई कंपनी इश्यू कर रही होगी उस पर ये टैक्स क्रेडिट मिलेगा। स्लैश या प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से शेयर्स लिए हैं उस पे भी ये वाला टैक्स क्रेडिट मिलेगा। सुकूक्स ऑफर्ड टू पब्लिक बाय अ लिस्टेड कंपनी एज ओरिजिनल या किसी लिस्टेड कंपनी ने गर्मा गर्म सुकूक्स इशू किए हैं, जैसे गर्मा गर्म जलेबी इशू करती, ठीक है, जैसे आपने वो सुकूक सब्सक्राइब करवाए तो आपको उस पर टैक्स क्रेडिट मिलेगा। यूनिट्स ऑफ ईटीएफ, हमने कहा ये इस दफा अमेंडमेंट आई उसके अंदर यूनिट्स ऑफ ईटीएफ भी इंक्लूड कर दिए गए, ये भी म्यूचुअल फंड की तरह की एक मखलूक होती है, ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो यूनिट्स ऑफ ईटीएफ का भी जिक्र आ जाए। और नए नए ताजे ताजे ईटीएफ के यूनिट्स आपने सब्सक्राइब करवाए हैं तो क्या उस पर टैक्स क्रेडिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने सब्सक्राइब करवाई है और उसका कोई प्रीमियम आपने पे किया है तो क्या उस पर भी टैक्स क्रेडिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उसकी कंडीशन एक होनी चाहिए, ब्रैकेट में लिखा हुआ मैंने आईएफबी और आईएफएस, इनकम फ्रॉम बिजनेस या इनकम फ्रॉम सैलरी, इन दोनों में से किसी हेड में मूवमेंट होनी चाहिए है। यानी अगर मिसाल के तौर पर अब कभी देखो एग्जामिनर ने ऐसा कोई सवाल दिया नहीं है लेकिन दे सकता है, सुनना जरा, किसी की रेंटल इनकम आ रही है, अब रेंटल इनकम तो एनटीआर में टैक्स होती है, पता है आपको, अब किसी की रेंटल इनकम आ रही है साथ में उसने लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी पे किया, अब आपके दिमाग में वही बात होगी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्स क्रेडिट, ओहो जल्दी जल्दी टैक्स क्रेडिट निकाल दिया आपने, ये देखा ही नहीं कि इसकी तो ना इनकम फ्रॉम सैलरी है ना इनकम फ्रॉम बिजनेस है, और आपने क्या निकाल दिया? टैक्स क्रेडिट ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल दिया, तो इस डेढ़ होशियारी के नंबर मिलेंगे नहीं बल्कि कटेंगे। क्या बात समझ आती है बेटा? सबको क्लियर है? लेकिन सर अगर कोई ऐसा बंदा है जिसकी जिंदगी का मकसद ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है, उसने शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट कर दी, उसने सुकूक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर दी, गर्मा गर्म शेयर्स भी ले लिए, गर्मा गर्म सुकूक्स भी ले लिए, गर्मा गर्म ईटीएफ के यूनिट्स भी ले लिए, और उसने कहा इतनी सारी गर्मा गर्म चीजें ले ली है जिंदगी खत्म ना हो जाए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले ली, तो हमने कहा अब सर ये टैक्स क्रेडिट किस पे मिलेगा? हमने कहा हाईएस्ट ऑफ ऑल पे, सब पे नहीं मिलेगा, इन सब में जो सबसे ज्यादा वैल्यू हो उस पर टैक्स क्रेडिट को कैलकुलेट कर लेना। तो क्या इसकी भी कोई लिमिट है? जी हमने कहा बिल्कुल लिमिट है, एवरेज रेट ऑफ टैक्स ऑन लोअर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट 2 मिलियन, 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, और हमने कहा इफ इन्वेस्टमेंट इन ऑल फोर हायर ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स टू बी कंसीडर्ड फॉर रिबेट। टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस रेजिडेंट को मिलेगा, अदर देन कंपनी को मिलेगा, कंपनी को ये टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो देखो मिक्सअप नहीं करना, जहन में रखना है कौन सा टैक्स क्रेडिट सबको मिलेगा, कौन सा सिर्फ रेजिडेंट को मिलेगा, कौन सा रेजिडेंट को मिलेगा एक्सेप्ट कंपनी, कौन सा सिर्फ एक ऐसा टैक्स क्रेडिट है जो सिर्फ किसको मिलता है? एलिजिबल पर्सन को। अगला आ रहा है जो एलिजिबल पर्सन को मिलेगा, ठीक है, ये बातें मिक्सअप नहीं करनी है। इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस का टैक्स क्रेडिट किसको मिलेगा? रेजिडेंट को मिलेगा अदर देन कंपनी। किस पर मिलेगा सर? ऑन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू इंश्योरेंस कंपनी, इसके लिए भी यही कंडीशन है, इनकम फ्रॉम बिजनेस या इनकम फ्रॉम सैलरी में हलचल होना शर्त है। एवरेज रेट ऑफ टैक्स ऑन लोअर ऑफ एक्चुअल प्रीमियम 150,000, 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम। एक बात चलो अगला वाला पढ़ लें फिर बात करते हैं। टैक्स क्रेडिट ऑन कंट्रीब्यूशन टू एपीएफ एलिजिबल पर्सन को मिलेगा। देखो यहां पर रेजिडेंट नहीं लिखा हुआ,
क्या लिखा हुआ है? एलिजिबल पर्सन. और एलिजिबल पर्सन कौन होता है? सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैविंग एनटीएन या एनआईसी. इसका मतलब कि सर अगर कोई बंदा रेजिडेंट है लेकिन वो पाकिस्तान नेशनल नहीं है तो क्या उसको एपीएफ का टैक्स क्रेडिट मिल सकता है? नहीं मिल सकता. आईएफबी और आईएफएस प्रीमियम पेड टू एपीएफ अंडर वीपीएसआर, वो प्रीमियम जो पे किया जाए अप्रूव पेंशन फंड को अंडर वॉलंटरी पेंशन स्कीम रूल्स. और हमने कहा अगर एक फंड से दूसरे फंड में बैलेंस ट्रांसफर हो रहा है सो दिस इज नॉट अ एडिशनल इन्वेस्टमेंट, दिस इज नॉट अ न्यू इन्वेस्टमेंट, दिस इज सिंपली द ट्रांसफर ऑफ बैलेंस फ्रॉम वन फंड टू अनदर. उस पर कोई टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है. लिमिट क्या थी? एक्चुअल प्रीमियम 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ करंट ईयर. दैट्स इट. मजे की बात बता दूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो टैक्स क्रेडिट्स हैं तुम्हारे पास कौन से वाले, ये जो इन्वेस्टमेंट से शुरू हो रहे हैं और एपीएफ वाले, डोनेशन वाला भी, डोनेशन, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस, एपीएफ, ये सारे टैक्स क्रेडिट के लिए जो एवरेज रेट ऑफ टैक्स यूज होगा वो सेम यूज होगा, चेंज नहीं होगा. कौन सा वाला होगा? सर मिसाल के तौर पर आपकी ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी अंडर एनटीआर आ गई 1,150,000. सबसे पहले क्या कैलकुलेट होता है इस पे? सबसे पहले कैलकुलेट होगा फॉरेन टैक्स क्रेडिट. अस्यूम कर लो कि वो आ गया 2,00,000, क्या बचा? 950. अब लेस होंगे क्या? टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन, टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट, टैक्स क्रेडिट ऑन हेल्थ इंश्योरेंस, टैक्स क्रेडिट ऑन एपीएफ, ऐसे ही है. इन सब के लिए एवरेज रेट ऑफ टैक्स सेम होगा. बोलो क्या इनके लिए होगा? अच्छा अज्यूम कर लो टैक्सेबल इनकम थी, अज्यूम कर लो टैक्सेबल इनकम थी 5,000,000, अज्यूम कर लो टैक्सेबल इनकम थी 5,000,000. तो अब इन सब के लिए एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या होगा? 950 डिवाइडेड बाय, ये होगा एआरटी सबके लिए. क्या ये बातें सबको समझ आती हैं? क्लियर है सबको? चले आगे. बहुत पढ़ना है आज हमने. अच्छा फिर हमारे पास दो टैक्स क्रेडिट ऐसे हैं, दो तीन टैक्स क्रेडिट हैं जो इस फाइनेंस एक्ट में आए हैं, जो मेरा ख्याल है थियोरेटिकली टेस्ट हो सकते हैं, थ्योरी में पूछे जा सकते हैं. एक तो है टैक्स क्रेडिट फॉर पॉइंट ऑफ सेल मशीन. हमने कहा था जो टीयर वन रिटेलर अपना पॉइंट ऑफ सेल एफबीआर के साथ इंटीग्रेट करेगा उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा. क्या मिलेगा सर टैक्स क्रेडिट? कितना मिलेगा? हमने कहा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो पॉइंट ऑफ सेल उसने परचेज किया उसकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट या 150,000 इनटू नंबर ऑफ मशीन्स व्हिच एवर इज लोअर. आसान बात है. टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्सन, इसमें दो तीन पर्सन है जिसमें पिछले फाइनेंस एक्ट में इनको एग्जेम्पशन थी, इस फाइनेंस एक्ट में इनको 100% टैक्स क्रेडिट मिलेगा. कब मिलेगा? जब ये कंडीशंस को कंप्लाई करेंगे तो मिलेगा. अच्छा सर किसको 100% टैक्स क्रेडिट मिलेगा? किसको 100% टैक्स क्रेडिट मिलेगा? हमने कहा पर्संस एंगेज्ड इन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स इन सिंध सप्लाइंग कोल टू पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स, स्टार्टअप विच इज सर्टिफाइड बाय पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, इनकम फ्रॉम आईटी एक्सपोर्ट्स. अच्छा इनकम फ्रॉम आईटी एक्सपोर्ट्स के लिए भी एक कंडीशन है, क्या? कि 80% पाकिस्तान रिमिट हो थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल. अगर सर ये इंडस्ट्रीज हैं तो इनको क्या मिलेगा? 100% ऑफ टैक्स क्रेडिट इंक्लूडिंग मिनिमम एंड फाइनल टैक्सेस सब्जेक्ट टू द कंडीशन एनुअल रिटर्न फाइल करें, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट टाइम पे फाइल करें, सेल टैक्स रिटर्न भी फाइल करें. तो हमने कहा हम इनको क्या दे देंगे? 100% टैक्स क्रेडिट, सब छूट, फिर एफटीआर भी नहीं लगेगा, मिनिमम टैक्स भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, 100% टैक्स क्रेडिट. अच्छा और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से जो सर्टिफाइड स्टार्टअप है उसको ये टैक्स क्रेडिट
तीन सालों में मिलेगा, तीन सालों तक मिलता रहेगा, करंट प्लस टू टैक्स ईयर तीन सालों तक मिलेगा। फिर अगला टैक्स क्रेडिट, ये भी इसमें भी चीजें आ सकती हैं, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन आ सकती है जो हमने डिस्कस की थी, उसको एक दफा देख लेना। टैक्स क्रेडिट फॉर स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, हमने कहा ये भी सर टैक्स क्रेडिट मिलेगा, किसको मिलेगा? एलिजिबल पर्सन को मिलेगा। अब एलिजिबल पर्सन की डेफिनेशन है वो आपको देखना होगी, किस साल में मिलेगा? इन द ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा। कितना मिलेगा? 25% ऑफ एलिजिबल इन्वेस्टमेंट मिलेगा। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट क्या है वो भी देखना होगा, ठीक है, अगेंस्ट नॉर्मल टैक्स पेबल। और अगर ये टैक्स क्रेडिट पूरा एडजस्ट ना हो पाया तो कितना कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? ये वो वाहिद टैक्स क्रेडिट है जो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है करंट प्लस टू, मतलब नेक्स्ट टू टैक्स ईयर्स में। अच्छा, खैर ये तीनों के तीनों जो टैक्स क्रेडिट्स हैं थियोरेटिकल आने के चांसेस हैं, प्रैक्टिकली ना आपकी बुक के अंदर गिवन है और ना इसके टेस्ट होने के प्रैक्टिकली चांसेस हैं, लेकिन आपको याद होने चाहिए हैं। फिर आता है फुल टाइम टीचर अलाउंस, जो आपकी सेकंड शेड्यूल की डिडक्शन है। फुल टाइम टीचर अलाउंस किसको मिलेगा? आसान बात है सर, फुल टाइम टीचर को मिलेगा। ये क्या रॉकेट साइंस है? फुल टाइम टीचर अलाउंस मिलेगा फुल टाइम टीचर को, फुल टाइम रिसर्चर को ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड नॉन प्रॉफिट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन और बोर्ड और यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। और सर किस पर, किस अमाउंट पर मिलेगा? सर सिर्फ टैक्सेबल सैलरी पर मिलेगा। कैसे मिलेगा? सर जो भी टैक्सेबल सैलरी हो उस पर निकालें टैक्स कितना बनता है, जितना टैक्स बनता है उसको 25% से मल्टीप्लाई कर लें, वही टैक्स क्रेडिट बनेगा। सिंपल है जी बेटा? मैंने बिल्कुल बताई थी कुछ बच्चे, लेकिन आप एक चीज जहन में रखिएगा बेटा प्लीज, जब मैं ये पढ़ा रहा था तो मैंने ये कहा था कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर अंडर दिस पार्ट में ही अंडर दिस सेक्शन लिखा हुआ है, बताया था। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर सबके लिए सेम रेट लिया जाता है, जो पोर्टल है ना, पोर्टल जो कैलकुलेशन करता है, इनकम टैक्स का पोर्टल जो कैलकुलेशन करता है वो सबके लिए सेम एवरेज रेट ऑफ टैक्स लेता है, आप भी सेम लीजिएगा, सेम लीजिएगा, ठीक है, हाँ सेम लीजिएगा। क्या बेटा? बेटा टैक्स क्रेडिट का एवरेज रेट हमने अलग लिया था, मैंने लेकिन आपको ये बताया था, मैंने ये बताया था ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है, ऑर्डिनेंस की वर्डिंग है कि ये टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट होगा अंडर दिस सेक्शन, अंडर दिस सेक्शन, इसमें लिखा हुआ है अंडर दिस पार्ट, अंडर दिस पार्ट, अंडर दिस पार्ट, इसमें लिखा हुआ है अंडर दिस सेक्शन, तो इसमें डिफरेंट होगा। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि जो इनकम टैक्स का पोर्टल है वो जो कैलकुलेशन करता है, डेटा तो कहां डलता है? पोर्टल पे डलता है ना, ऑप्शन थोड़ी होता है आपके पास, कैलकुलेशन आप खुद नहीं कर सकते हो, तो मैंने वो एस्पेक्ट भी बता दिया था। लेकिन रेकमेंड मैं क्या कर रहा हूं आपको, क्या करो, सेम ले लो, मेरे दिल में ये बात आ रही है कि सेम ले लो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, सबके लिए एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या ले लेना, सेम ले लेना। अच्छा भाई, उसके बाद आता है हमारे पास दुनिया का आसान तरीन हेड ऑफ इनकम, कौन सा? प्लीज बातें नहीं, शुरू करें बेटा। सैलरी इनकम, बेटा जरा तवज्जा कर लो इधर, ऐसा ना हो कि आप तवज्जा करो तो ये हेड ऑफ इनकम खत्म हो जाए।
आपको पता है टर्बो मोड पे रिवीजन हो रहा है, थोड़ी सी तवज्जो चुकी और हेड ऑफ इनकम गया, सैलरी इनकम। सर सैलरी इनकम इज टैक्सेबल ऑन, सैलरी इनकम इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, हाउएवर द कमिश्नर मे टैक्स इट ऑन अक्रूअल बेसिस इफ ही बिलीव्स that the payment of salary has been unnecessarily deferred in case of an employee of a private company. Private company ke employee ke case mein exception hai aur commissioner chahe to isko accrual basis par bhi tax kar sakta hai. Receipt ki definition, actually received by the employee, applied on behalf of employee upon instruction of employee or under any law, made available to the employee. Yaad aata hai? Uske baad kya tha? Salary ke head mein se koi expenses less nahi ho sakte. उसके बाद आती है हमारे पास सैलरी की डेफिनेशन। सैलरी की डेफिनेशन में आता है फी, वेज, अच्छा नहीं उससे भी पहले एनी अमाउंट गिवन बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई अंडर एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप वेदर ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर, कोई भी अमाउंट हो सर, मॉनेटरी अमाउंट हो नॉन मॉनेटरी अमाउंट हो, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है अंडर एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप तो वो पार्ट ऑफ सैलरी। और याद रखने का आसान तरीका मैंने ये बताया था, जो भी अमाउंट ऐसी हो जो एम्प्लॉई को बेनिफिट दे रही है वो सैलरी है, जो भी अमाउंट ऐसी हो जो एम्प्लॉई को बेनिफिट दे रही है वो सैलरी है एम्प्लॉयर की तरफ से, जिसमें था फी, वेज, पे, रिम्यूनरेशन, अदर रिम्यूनरेशन, ग्रेचुटी, वर्क कंडीशन सप्लीमेंट, हर तरह की पेमेंट जिसको आप किसी भी नाम से बोल दो, ओवर टाइम, ये सारी की सारी क्या है, सैलरी का पार्ट है। तो देखो सैलरी की डेफिनेशन को मैंने बहुत छोटा कर दिया, इतनी छोटी है नहीं है डेफिनेशन। सबसे मैंने पहले लिख दिया पे, तो आप डेफिनेशन को देखोगे तो फी, वेज, रिम्यूनरेशन, लीव पे, लीव इनकैशमेंट, ग्रेचुटी, वर्क कंडीशन सप्लीमेंट, ब्ला 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 है, तो पे ना उसको मैंने पे कर दिया। परक्विजिट्स, परक्विजिट्स की अलग डेफिनेशन है। अलाउंसेस, अलाउंसेस आपको पता है क्या होता है, एनी अमाउंट विच इज फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एनी अमाउंट विच इज फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। हमने कहा यूटिलिटी अलाउंस मिल रहा है सैलरी है, हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है सैलरी है, मेडिकल अलाउंस मिल रहा है सैलरी है, अलाउंस कोई भी हो सैलरी। लेकिन एक इसमें भी छोटी सी अमेंडमेंट आई है इस बार। देखो ये अच्छा है कि हम साथ साथ अमेंडमेंट्स को भी डिस्कस करते रहे, क्योंकि जो पुरानी अटेम्प्ट के बच्चे वर्कशॉप ले रहे हैं उनके लिए भी फायदा है। इसमें अमेंडमेंट क्या आई छोटी सी, अच्छा इसके अंदर लॉ ये लिखता है कि ऐसा कोई अलाउंस, अच्छा जाहिर सी बात है समरी के अंदर मैं पूरे समंदर को तो नहीं छू सकता था, तो मुख्तसर छोटा छोटा सा लिखा है, अच्छा लेकिन लॉ में ये बात भी लिखी हुई है कि कोई अलाउंस, ऐसा अलाउंस जो सोलली एक्सपेंडेड फॉर ऑफिशियल पर्पसेस हो, जो सोलली एक्सपेंडेड फॉर ऑफिशियल पर्पसेस हो, यानी कि जो ऑफिस के काम के लिए आपने पैसा खर्च किया और आपको वो अलाउंस मिल रहा है, तो वो पार्ट ऑफ सैलरी नहीं होता, क्योंकि उसका फायदा तो एम्प्लॉय को नहीं मिला ना। मैंने क्या कहा था, जिसको एम्प्लॉय को बेनिफिट मिल रहा हो, तो अगर कोई ऐसा खर्चा उसने कर दिया जो ऑफिशियल पर्पसेस के लिए था और उसकी रिइंबर्समेंट मिल रही है, तो एम्प्लॉय की जात पर तो कोई फायदा नहीं हुआ ना भाई। रुक जाओ, अब आई इस दफा वाली अमेंडमेंट, अच्छा इस दफा वाली जो अमेंडमेंट आई उसने क्या लिखा जरा देखो, नॉट फिक्स और परसेंटेज ऑफ सैलरी उसने कहा। लेकिन देखो अगर आप ऐसा करोगे ना, क्योंकि लोग इस सेक्शन को मिसयूज करते थे, तो ये क्लेरिफिकेशन आ गई। इसमें क्या कहा गया कि अगर तो कोई अमाउंट फिक्स कर दी गई है, अगर कोई अमाउंट फिक्स कर दी गई है और आप उसको बोल रहे हो कि ये सोलली एक्सपेंडेड फॉर ऑफिशियल पर्पसेस है, तो उसने कहा कि ये फिर पार्ट ऑफ सैलरी बनेगा। अगर आपने कोई अमाउंट फिक्स कर दी है, मिसाल के तौर पर मैंने एग्जांपल दी थी वॉशिंग अलाउंस, किट अलाउंस, अब वॉशिंग अलाउंस है, किट अलाउंस है, तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग क्या है कि सर जो खर्चा हो वो रिइंबर्स हो जाए। लेकिन अगर उसको फिक्स कर दिया जाए तो अब लॉ कहते हैं कि ये पार्ट ऑफ सैलरी बन जाएगा। क्या बात समझ आती है? और लास्ट अटेम्प्ट में एक था आपके पास टीएडी अलाउंस, रिलोकेशन अलाउंस, याद है? उसके अंदर ये हमने पढ़ा था, जो लास्ट अटेम्प्ट के बच्चे होंगे उन्होंने पढ़ा था। तुम लोग क्या ईएससीएस कर रहे हो?
जो लास्ट अटेम्प्ट के बच्चे थे हमने उनके साथ ये पढ़ा था कि TA DA अगर फिक्स अलाउंस मिल रहा है और कोई बंदा अगर मीटिंग के लिए कोई डायरेक्टर चला गया इस्लामाबाद, उसको TA DA हमने फिक्स दे दिया 1.5 लाख रुपए और उसने 1 लाख रुपए खर्चा किया, 50,000 बचा लिया तो घर ले जाए कोई गम नहीं, सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा, ये एग्जेम्प्ट है। लेकिन अब हमने कहा ऐसा कोई टोपी ड्रामा नहीं चलेगा। अगर सवाल के अंदर ये लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय को TA DA अलाउंस मिला और उसको मिला 1 लाख रुपए, एक्चुअल खर्चा आया 70,000, 30,000 जेब में रख लिया उसने, हमने कहा अब ये 30,000 टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि वो एग्जेम्प्शन खत्म हो गई। क्लियर है? अच्छा, ये मेरी समरी के अंदर जो है ना ऐसी निमोनिक्स यूज हुए हैं, अगर आप गौर से नहीं सुनोगे तो आपको नहीं समझ आएगा। PILS, PILS, इसका मतलब है प्रॉफिट्स इन लियू ऑफ सैलरी, चाहिए प्रॉफिट्स इन लियू ऑफ सैलरी, पेंशन और ESOPs तो आपको पता ही है, ये तो मशहूर निमोनिक है ना, एम्प्लॉई शेयर ऑप्शन स्कीम। हाँ बेटा मुश्तबा, अलाउंस तो होते ही फिक्स है इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, लेकिन लॉ ये कह रहा है कि अगर बिल्कुल फिक्स कर दोगे तो फिर हम उसको ऑफिशियल पर्पस ट्रीट नहीं करेंगे। सिंपल बात, लॉ बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं हो रहा, वो सिंपल गाइडलाइन दे रहा है कि अगर तुमने फिक्स किया तो हम इसको फिर टैक्स कर देंगे। परक्विजिट में क्या क्या आता है? परक्विजिट हमने कहा था कि कोई नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, कोई फिक्स ना किया जाए बेनिफिट, ठीक है, कोई और बेनिफिट मिल रहा है। अलाउंस तो फिक्स है इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, लेकिन अगर ऐसा हो कि किसी बेनिफिट की रिइंबर्समेंट की जा रही है, किसी बेनिफिट की रिइंबर्समेंट की जा रही है, दो चीजें देखो, दो चीजें समझना। एक मैंने थोड़ी देर पहले अभी कहा वॉशिंग अलाउंस और किट अलाउंस, मेरा रिटेल का स्टाफ है, मैंने उसको वॉशिंग अलाउंस दिया और रिइंबर्स किया, वॉशिंग अलाउंस रिइंबर्स किया। दूसरा मेरा एम्प्लॉई है, मैंने उसको घर का बिजली का बिल रिइंबर्स किया, दोनों में क्या फर्क है? रिइंबर्स ही तो किया, एक ऑफिशियल पर्पसेस के लिए है और दूसरा पर्सनल है, दूसरे को पर्सनल उसकी जात को बेनिफिट मिल रहा है, ये दोनों चीजों को अलग अलग रखना, ठीक है। अच्छा भाई, तो हमने क्या कहा थे हम परक्विजिट्स, तो हमने कहा परक्विजिट्स में कोई भी अगर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है परक्विजिट है, कोई भी ऐसा बेनिफिट मिल रहा है जो फिक्स अमाउंट नहीं है रिइंबर्समेंट है परक्विजिट है, उसको हम अलाउंस नहीं कह रहे। अच्छा, जिसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, मोटर व्हीकल आ गया, MV means motor vehicle, services of assistants all, इसके अंदर gardener, housekeeper, chef, वो सारी चीजें जो लिखी हुई थी, utilities में gas, electricity, telephone, obligation waiver या payment by employer, ये भी मैंने short करके लिख दिया, पहला लिखा हुआ है obligation waiver, any obligation of an employee waived by the employer, जो handout में लिखा हुआ था, और दूसरा पेमेंट बाय एम्प्लॉयर, एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ थर्ड पर्सन पेड बाय द एम्प्लॉयर। हमने कहा ये दोनों के दोनों क्या है, परक्विजिट है। एक की एग्जांपल मैंने दी थी एम्प्लॉयर से लोन लिया, एम्प्लॉयर ने वेव कर दिया, दूसरी एग्जांपल ये थी एम्प्लॉय ने बैंक से लोन लिया, एम्प्लॉयर ने उसको पे कर दिया, बेनिफिट है। एकोमोडेशन दी हुई है, बेनिफिट है, या किसी भी और बेनिफिट, कोई भी और बेनिफिट दिया हुआ है, मिसाल के तौर पर कोई भी और बेनिफिट दे दिया, क्या एम्प्लॉयर ये कर सकता है, वो बोले भाई ये लो सेलफोन, ये सेलफोन आपको गिफ्ट कर दिया, आज आपकी बर्थडे, HR की तरफ से रिमाइंडर आया, ये iPhone 13 Pro Max गिफ्ट, हो सकता है ना, हो सकता है। ये तुम लोग ओए ओए ऐसे जिस तरह से करते हो ना, जब तुम लोग इंडस्ट्री में चले जाओगे, मैंने पहले भी बताया था जब तुम लोग इंडस्ट्री में चले जाओगे और अगर इस तरह के जिस तरह के निगम में तुम लोग हो ना रहे, यानी काम के बंदे बन गए, तो एम्प्लॉयर विल वैल्यू अ लॉट। फिर ये आईफोन 13 प्रो मैक्स कुछ नहीं होता, मतलब आई हैव सीन एम्प्लॉयज के जो एम्प्लॉय बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय है कंपनी के लिए और वो रिजाइन दे रहा है कि मैं कहीं और जा रहा हूं, तो एम्प्लॉयर उसको कहता है भाई आप रिजाइन नहीं दो, मैं आपको लोन दे रहा हूं, इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा हूं 3 करोड़ रुपए का, अच्छा घर ले लो। तो 3 करोड़ रुपए का लोन कौन देता है? एम्प्लॉयर दे रहा है।
इतनी बड़ी अमाउंट अपने क्यों फंसा रहा है वो, उसको पता है ये बंदा मेरे बहुत काम का, बात आती है समझ में? तो ये छोटी मोटी चीजें कुछ नहीं होती, क्योंकि एक बंदा जब कंपनी को लाखों और करोड़ों रुपए का प्रॉफिट करवा रहा होता है ना, तो फिर कंपनी के लिए ये दो दो तीन तीन लाख रुपए की चीज को मैटर नहीं करती, ठीक है? लेकिन टैक्स वाले के लिए तो करती है, वो कहता है ये टैक्सेबल है। अच्छा, एफएमवी ऑफ एनी अदर बेनिफिट, इंटरेस्ट फ्री लोन या कंसेशनल लोन, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इंटरेस्ट फ्री लोन या कंसेशनल लोन। अच्छा भाई, तो क्या कह रहे हैं सर हम, इतनी जोर से क्यों बता रहे हैं आप? बेंचमार्क परसेंटेज माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर, जिस परसेंटेज पे भी एम्प्लॉयर ने लोन दिया है, मिसाल के तौर पर 10-20 लाख रुपए का लोन दे दिया, और वो 20 लाख रुपए का लोन दे दिया 2% के ऊपर, तो लॉ ये कहता है कि बेंचमार्क रेट है 10%, एम्प्लॉयर ने दिया 2% पे। अगर आप मार्केट में जाते किसी से लेने के लिए, आपको 10% पे मिलता, तो ये 8% का आपका बेनिफिट है, जो कि सैलरी में जाके क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट फ्री लोन दिया तो कितना हो जाएगा, पूरा 10%। क्या इसकी कोई एक्सेप्शन है? दो एक्सेप्शन है। पहली एक्सेप्शन, अगर लोन हो अप टू 1 मिलियन। दूसरी एक्सेप्शन, अगर एम्प्लॉई ने अपनी किसी ऐसी फैसिलिटी पर जो एम्प्लॉयर के पास मेंटेन्ड है, जैसे पीएफ, जैसे जीएफ, अगर उसने अपनी किसी ऐसी फैसिलिटी पर जो एम्प्लॉयर के साथ मेंटेन्ड है, उस पर इंटरेस्ट का वेवर दे दिया, तो अब ये इंटरेस्ट फ्री लोन का बेनिफिट भी उसकी सैलरी में टैक्स नहीं होगा। आगे चलते हैं। प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, प्रोविडेंट फंड, आगे देखेंगे टैक्स ट्रीटमेंट। गोल्डन हैंडशेक स्कीम, गोल्डन हैंडशेक स्कीम का ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए बेटा। गोल्डन हैंडशेक स्कीम के केस में लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिस केस में एम्प्लॉयर गोल्डन हैंडशेक दे रहा होता है, बहुत सारा पैसा दे दिला के आपको रुखसत कर रहा होता है, लात मार रहा होता है, उस केस में ये गोल्डन हैंडशेक की जो पेमेंट है, इसकी टैक्सेबिलिटी के दो ऑप्शंस हैं आपके पास। नंबर वन, पहला ऑप्शन ये है कि इसको नॉर्मल सैलरी का पार्ट बना दो, नॉर्मल वे में टैक्सेबल कर दो। दूसरा ऑप्शन, इसको अलग कर दो, इसको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम ट्रीट कर लो। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम ट्रीट करने का मतलब इसको नॉर्मल से अलग कर दो और इस पे अलग सा रेट लगा दो। सर, वो अलग सा रेट कौन सा होगा? हमने कहा वो होगा लास्ट 3 इयर्स एवरेज रेट ऑफ टैक्स, लास्ट 3 इयर्स एवरेज रेट ऑफ टैक्स। क्या बात समझ आती है? अच्छा, ये ऑप्शन है, कंपलसरी कुछ भी नहीं है। दोनों ऑप्शन कैलकुलेट होंगे और दोनों में से जो फीजिबल होगा, दोनों में से जो फीजिबल होगा वही आपने ऑप्ट करना होगा। लेकिन सर, दोनों में से जो फीजिबल होगा उसको कैलकुलेट कैसे करें? क्या पूरी कैलकुलेशन करें? अगर तो सवाल ही ये आया तो पूरी कैलकुलेशन करोगे, लेकिन अगर लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन में ये एक पार्ट बन के आ गया, तो अब पूरी कैलकुलेशन करना बेवकूफी कहलाएगी। तो फिर क्या करें सर? हमने कहा उसके एक छोटा सा तरीका था। क्या तरीका था? सर, अदर नॉर्मल टैक्सेबल सैलरी जो थी ना, नॉर्मल टैक्सेबल सैलरी थी, सुनना जरा, वो थी मिसाल के तौर पर 12 लाख, और गोल्डन हैंडशेक स्कीम की पेमेंट कितनी थी, अज्यूम कर लो 6 लाख। तो ये मिला के कितना बना? 18। और मुझे पता है कि लास्ट 3 इयर्स एवरेज रेट ऑफ टैक्स कितना है। सर, लास्ट 3 इयर्स एवरेज रेट ऑफ टैक्स है 5%, ऐसे अज्यूम कर लो 5%। अब 12 लाख और 6 लाख, 18 लाख। अब जब मैं इसको टैक्स करने गया, स्लैब क्या चल रहा है मार्केट में, कौन से स्लैब में फॉल कर रहा है? ये फॉल कर रहा है स्लैब 3 में, और उसका रेट क्या चल रहा है, अज्यूम कर लो 10% चल रहा है। तो मेरे लिए क्या फीजिबल है? तो ये देखकर ही अंदाजा हो जाएगा तुमको। जो अगर तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा पार्ट बन के आया है, तो इसकी पूरी पूरी अलग कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना। ये तुम स्लैब के रेट देख के ही अंदाजा लगा लोगे कि ये लास्ट 3 इयर्स एवरेज रेट ऑफ टैक्स फीजिबल है या स्लैब रेट फीजिबल है।
और जो फीजिबल हो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करके नीचे सिर्फ एक कमेंट लिख देना कि इस केस में नॉर्मल रिजीम में टैक्स करवाना ज्यादा फीजिबल था। दैट्स इट, खत्म हुई कहानी। एकोमोडेशन को टैक्स कैसे करोगे? एकोमोडेशन को कंपेयर कैसे करोगे? हमने कहा सर एकोमोडेशन बहुत आसान। बेटा प्लीज 45% ऑफ बेसिक सैलरी वर्सेस दिस, इसमें क्या था? अगर घर ना मिलता तो क्या मिलता? बस ये इतना छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है? अगर घर ना मिलता तो क्या मिलता? तो ऑब्वियस ही बात है कि सर अगर घर ना मिलता तो सवाल में कोई अलाउंस दिया हुआ होगा। अगर घर नहीं मिल रहा तो ये अलाउंस मिल जाएगा। कितना अलाउंस मिल जाएगा? मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है 35% ऑफ बेसिक सैलरी का अलाउंस मिल जाएगा। हमने कहा विषय वाले हायर, कौन सा हायर है? या ये नहीं दिया हुआ, इसकी जगह एएलवी दी हुई है, तो हमने कहा फिर हम एएलवी ले लेंगे, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। विषय वरिज हायर, सर ये भी दिया हुआ, ये भी दिया हुआ, फिर ये लेंगे, क्योंकि ऑर्डिनेंस की वर्डिंग क्या है? घर ना मिलता तो क्या मिलता, फिर ये मिलता, पॉलिसी है। अच्छा, लेकिन अगर एमटीएस गिवन हो तो ये बीएस नहीं होगा, ये एमटीएस हो जाएगा। अगर एमटीएस गिवन हो तो ये बीएस नहीं होगा, ये मिनिमम टाइम स्केल हो जाएगा। सही है? कन्वेंस बेटा प्लीज, सैलरी का रिवीजन कंप्लीट होगा फिर ही ब्रेक आएगा। कन्वेंस कन्वेंस अलाउंस, सर गाड़ी दी हुई है, मोटर व्हीकल दी हुई है, होली फॉर ऑफिशियल पर्पजेस, होली फॉर ऑफिशियल पर्पजेस। नहीं सर, होली देख के हम बस टाइम बेकाबू हो जाते हैं, हमारे हाथ से टाइम छूट जाता है होली देख के। आगे तो देखो ऑफिशियल लिखा हुआ यार, होली फॉर ऑफिशियल 0%, यानी कि कुछ भी सैलरी में टैक्स नहीं होगा। Only for personal purposes. 10% of cost of vehicle to the employer or FMV at the time of commencement of lease. Or partly for official, partly for personal. 5% of cost of vehicle to the employer or FMV at the time of commencement of lease. आसान बातें हैं। Medical allowance. गौर से सुन लो बस। Medical allowance सुन लो। दो चीजें होती हैं सर। एक तो है medical allowance. मेडिकल अलाउंस, अलाउंस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। दूसरी होती है मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी में या तो मेडिकल एक्सपेंस की रिइंबर्समेंट भी हो सकती है, या एम्प्लॉयर ये भी कह सकता है इस हॉस्पिटल में जाओ इलाज करवाओ, जो बिल होगा हम देख लेंगे, या वो रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस कर रहा है, या आपको पैनल हॉस्पिटल पे ट्रीटमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, इसको बोलते हैं मेडिकल फैसिलिटी। या मेडिकल फैसिलिटी होगी या अलाउंस होगा। अगर सिर्फ अलाउंस है, अगर सिर्फ इसका आपने पूरा चार्ट बनाया था क्लास के अंदर, इसलिए मैं दोबारा बनाऊंगा नहीं इधर। अगर सिर्फ अलाउंस है एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक, अगर सिर्फ फैसिलिटी है एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्जेम्प्ट, अगर अलाउंस सॉरी और अगर फैसिलिटी है नॉट इन अकॉर्डिंग विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टैक्सेबल। लेकिन मसला का बात है जब अलाउंस भी है और फैसिलिटी भी है। अगर अलाउंस भी है और फैसिलिटी भी है, और फैसिलिटी है इन अकॉर्डिंग विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो हमने कहा सर फिर फैसिलिटी एग्जेम्प्ट होगी और अलाउंस फुली टैक्सेबल। और अगर अलाउंस भी है और फैसिलिटी है लेकिन फैसिलिटी नॉट इन अकॉर्डिंग विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो हमने कहा फिर फैसिलिटी फुली टैक्सेबल होगी और मेडिकल अलाउंस पर 10% की एग्जेम्प्शन मिलेगी। इसका पूरा चार्ट बनाया था हमने, बल खाता हुआ तीर खाता हुआ, वो याद होगा आपको और रजिस्टर में होगा आपके, उसको जरूर रिवाइज करना। ये मैंने बहुत मुख्तसर और कंसाइज करके ये लिख दिया है, अलाउंस ओनली, अलाउंस एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बीएस, एफ का मतलब है फैसिलिटी, टीओई का मतलब है टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फैसिलिटी इन अकॉर्डिंग विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओनली,
F is exempt, yani ki facility is exempt. Facility not in accordance with terms of employment, facility is taxable. Allowance plus facility in accordance with terms of employment, allowance fully taxable, facility exempt. Allowance plus facility not in accordance with terms of employment, allowance is 10%, allowance ka 10% of basic salary exempt hai aur facility taxable ho jayegi. F se murad facility exemption hai, subject to NTN of medical practitioner and employer attestation. आगे चलो. टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर. सर अगर एम्प्लॉय का टैक्स एम्प्लॉयर बियर कर लेता है तो क्या होगा? एम्प्लॉय खुश होगा. तो सर टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? टैक्स ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल होगा इस केस के अंदर. हमने कहा जो भी टैक्स लायबिलिटी निकलती है उसे प्रीवेलेंट स्लैब रेट के ऊपर ग्रॉस अप कर देना, खत्म हुई कहानी. अगर स्लैब चेंज का केस आ जाता है, हमने कहा फिर बदकिस्मत ही तुम्हारी. जो हमने पूरा का पूरा मैकेनिज्म देखा था, स्लैब चेंज का केस देखा था, फिर वो ट्रीटमेंट तुमको करना पड़ेगा. उसकी डिटेल में मैं वर्कशॉप में नहीं जाऊंगा, ठीक है. ईसॉस की समरी, ईसॉस की समरी का पूरा चार्ट आप लोगों को मैंने बनाया हुआ है, लेकिन मैं अभी उसको मुख्तसरन जबानी रिवाइज करवाता हूं. लेकिन उसको एक सेकंड रुक जाओ, छोड़ दो. पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे आओ. पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स में हमने कहा ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी मिल रही है अगर अप्रूव्ड फंड से मिल रही है तो एग्जेम्प्ट, अगर अप्रूव्ड स्कीम है तो एग्जेम्प्ट अप टू 300,000, और अगर अनअप्रूव्ड स्कीम या अनअप्रूव्ड फंड से मिल रही है तो लोअर ऑफ 75,000 और 50% ऑफ द अमाउंट व्हिचएवर इज लोअर. और कुछ कंडीशंस हैं, एक दफा नजर घुमा लेना, कभी आई नहीं है, आती भी नहीं है. अगर एग्जामिनर दे दे उसका अल्लाह भला पूछे. सुपर एनुएशन फंड, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड से पेमेंट हो रही है तो अगर सर डेथ पर हो रही है तो एग्जेम्प्ट है, बिफोर डेथ हो रही है तो टैक्सेबल है. लेकिन अगर अनअप्रूव्ड से पेमेंट हो रही है तो चाहे जिंदगी में मिले चाहे मरने के बाद टैक्स तो लगेगा. प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा जरा इधर देख लो बेचारा. प्रोविडेंट फंड में क्या होता है सर? प्रोविडेंट फंड में दो तरह के प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और नॉन रिकॉग्नाइज या अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड. दोनों के ट्रीटमेंट में क्या फर्क है? अनरिकॉग्नाइज फंड का ट्रीटमेंट तो बिल्कुल सिंपल, प्लेन वेनिला. तीन चीजें होती हैं, एक है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एक है एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन और एक है इंटरेस्ट. सर चाहे रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो चाहे अनरेकग्नाइज हो, प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉई का जो कॉन्ट्रीब्यूशन फंड में जाता है वो डेफिनेशन ऑफ रिसीट में वैसे ही कवर्ड होता है, तो वो हर महीने हर साल हाथ के हाथ और साथ के साथ टैक्स हो चुका होता है, दोबारा से टैक्स नहीं होगा. हाथ के हाथ साथ के साथ टैक्स हो चुका. अब जब एम्प्लॉई छोड़ के जाएगा तो दोबारा टैक्स नहीं होगा. मिसाल के तौर पर आपको बताया जा रहा है कि पीएफ से पेमेंट हो रही है 6 मिलियन की, अनरेकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पेमेंट हो रही 6 मिलियन की. उस अनरेकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 2.5 मिलियन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, 2.5 मिलियन एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन, 1 मिलियन इंटरेस्ट इनकम. जरा मुझे बताओ क्या टैक्स होगा? सिर्फ 1 मिलियन टैक्स होगा और 2.5 मिलियन टैक्स होगा. ये टैक्स नहीं होगा क्योंकि हमने कहा ये ऑलरेडी टैक्स हो चुका है, रिस्पेक्टिव ईयर्स में ये ऑलरेडी टैक्स हो चुका है. ये टैक्स होगा और ये टैक्स होगा. क्या बात समझ आती है मेरे बच्चों? लेकिन अगर तो ये बात हो रही है किसकी? यूआरएफ की, अनरेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड की बात हो रही है, ठीक है? ठीक है, इसकी बात हो रही है अनरेकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. क्या होता बोले बेटा? कर लो नहीं, एक शीट सर्कुलेट कर दो, सब अटेंडेंस लगा देंगे. चलो ठीक है, तुम देख लो फिर. अच्छा भाई, तो ये हो गया अनरेकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. आ जाओ अब देखते हैं रेकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में क्या सीन होगा. रेकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अच्छा अनरेकग्नाइज्ड में क्या होगा? सर ये भी टैक्सेबल होगा इन द ईयर ऑफ रिसीट,
ये भी टैक्सेबल होगा इन द ईयर ऑफ रिसीट। ये नहीं होगा क्योंकि ये पहले टैक्सेबल हो गया। अब आ जाओ जरा रेकग्नाइज पे, अब आ जाओ जरा रेकग्नाइज पे। रेकग्नाइज में क्या होगा, ये पैसे मिल रहे हैं, छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉय। सर रेकग्नाइज में ये भी ईयर ऑफ रिसीट में टैक्सेबल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी टैक्स हो गया एम्प्लॉय की सैलरी के साथ। ये भी टैक्स होगा, ये भी टैक्स होगा, लेकिन कैसे होगा, ईयर ऑफ रिसीट पे नहीं होगा सर, ये होगा ईयरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे होगा। ये भी टैक्स होगा लेकिन होगा ईयरली बेसिस पे, लेकिन रेकग्नाइज में फायदा ये है कि पूरा टैक्स नहीं होगा। अनरेकग्नाइज में तो जब मिलता है तो पूरा टैक्स होता है, रेकग्नाइज में ऐसे नहीं होता। रेकग्नाइज में जब मिलेगा तो टैक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर हर साल हो चुका। अच्छा क्या हर साल पूरा टैक्स हुआ, नहीं नहीं नहीं, हर साल एग्जेम्पशन मिलेगी इसकी, जो एग्जेम्पशन से बाहर निकलेगा सिर्फ वो टैक्स होगा, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज्ड फंड है। ओहो, इसका मतलब सर हर साल हमें देखना पड़ेगा कि कितना लिमिट से बाहर निकल रहा है, कितना औकात से बाहर निकल रहा है, तो बिल्कुल देखना पड़ेगा। और जितना औकात से बाहर निकलेगा हर साल उतना चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी। क्लियर है बेटा। अब आओ देखते हैं कि इसकी औकात है क्या, यानी कि इसकी लिमिट क्या है इन शॉर्ट। अच्छा भाई, तो इसकी लिमिट है, अच्छा सबसे पहली लाइन क्या लिखी हुई है, एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन ऑनरेडी टैक्स, चाहे रेकग्नाइज हो चाहे अनरेकग्नाइज हो। अनरेकग्नाइज में बाकी जो भी पेमेंट है टैक्स होगी ऑन पेमेंट। रेकग्नाइज के केस में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट, इन दोनों की अलग अलग लिमिट है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन की कितनी है, देखो लोअर ऑफ 150,000 और 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, और इंटरेस्ट की कितनी, 16% ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस और 1/3 ऑफ बेसिक प्लस डीए, व्हिचएवर इज हायर। टैक्स ऑन अक्रूवल बेसिस, यानी कि इन द ईयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन या इनकम। क्लियर है। पेंशन के केस में हमने कहा था पेंशन, अगर तो सिंगल पेंशन मिल रही है, अगर तो सिंगल पेंशन मिल रही है तो सतीदान टैक्सेबल होगी, एग्जेम्प्ट है। सिंगल पेंशन मिल रही है एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर एक से ज्यादा पेंशन मिल रही है तो हमने कहा हायर वाली एग्जेम्प्ट और लोअर वाली एग्जेम्प्ट। अच्छा, पेंशन के केस में हमने ये भी कहा था कि इफ एम्प्लॉयी कंटिन्यूज टू वर्क फॉर द सेम एम्प्लॉयर और एनी एसोसिएट ऑफ द एम्प्लॉयर, तब जो पेंशन उसको मिल रही है वो टैक्सेबल हो जाएगी, एग्जेम्प्ट नहीं होगी। तो आप पढ़ लेते हैं, पेंशन इज एग्जेम्प्ट सब्जेक्ट टू टू कंडीशंस, लेकिन ये दोनों कंडीशन 60 साल से ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगी। नॉट वर्क्स फॉर द सेम एम्प्लॉयर और एसोसिएट, और नंबर टू नॉट रिसीव मोर देन वन पेंशन, ब्रैकेट में मैंने लिख भी दिया कि लोअर विल बी टैक्सेबल। और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन किसको बोलते हैं, सर पेंशन पूरी एक साथ मिल गई, मंथली का चक्कर ही नहीं रखा एम्प्लॉयर ने, बोलता पता नहीं कब तक जियोगे, हमें क्या पता कब तक बोझ बने रहोगे हम पे, एक साथ लो छुट्टी करो फारिग करो, ठीक है। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, बातें नहीं होंगी बेटा, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, सर टैक्स कैसे होगी कम्यूटेशन ऑफ पेंशन बताओ। सर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन पे भी एग्जेम्पशन की लिमिट है। अच्छा भाई, अगर अप्रूव्ड है तो एग्जेम्प्ट है, और अगर अनअप्रूव्ड है तो लोअर ऑफ 75,000 और 50% ऑफ अमाउंट, व्हिचएवर इज लोअर, ठीक है। अच्छा, ये सारी बातें हो गई हमारी, क्या बातें रह गई, पहला कॉलम देख लो, पहला कॉलम रिसीट बेसिस हमने कर लिया था, पाकिस्तान सोर्स सैलरी, अगर एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में एक्सरसाइज हो रही है और सैलरी मिल रही है तो वो पाकिस्तान सोर्स सैलरी है, या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कहीं और सर्विसेज दे रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमने पहले भी डिस्कस किया, जिस तरह रेजिडेंट होता है और उसको पैसे कौन दे रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट,
हमने कहा अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको पैसे दे रही है तो वो भी पाकिस्तान सोर्स सैलरी कहलाएगी। एक्सपेंस अलाउ नहीं होता, डबल टैक्सेशन या डबल डिडक्शन नहीं होती, बीओडी मीटिंग्स के लिए अगर अमाउंट रिसीव की है तो ग्रॉस अमाउंट सैलरी का पार्ट बनेगी और जो विदहोल्डिंग होगी वो बॉटम लाइन से डिडक्ट होगी। लेकिन सर अगर विदहोल्डिंग हुई नहीं है तो क्या करें? तो डिडक्ट नहीं करना बॉटम लाइन से, खत्म हो गई बात। इसमें रॉकेट साइंस क्या बात है? रिफ्रेशमेंट हमने का टैक्सेबल नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में एसोसिएट ऑफ एम्प्लॉई या एम्प्लॉयर को कोई बेनिफिट मिल रहा है, पास प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर से कोई बेनिफिट मिल रहा है, वो भी एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में कवर्ड होता है। अगर सैलरी एरियर्स में मिल रही है, पुराने सालों की सैलरी इस साल मिल रही है, पुराने सालों का बोनस इस साल मिल रहा है, तो क्या करें? ऑप्शन है ये भी कर सकते हैं कि उस अमाउंट को इसी साल की सैलरी में ऐड करके टैक्स कर दें। दूसरा ऑप्शन ये है हमारे पास कि हम रिस्पेक्टिव ईयर के अंदर अपने रिटर्न को खोलें, अमेंड करें, उसको ऐड करें और टैक्स कर लें। जो हमें टैक्स रेट के पर्सपेक्टिव में फीजिबल ऑप्शन लगेगा हम कर लेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर इस साल सैलरी में ऐड करने से टैक्स हो रहा था 20% पर, पिछले साल का बोनस था, पिछले साल का रिटर्न अमेंड किया, उसमें ऐड किया और वो टैक्स हो रहा है 10% पे, तो हम कहेंगे ठीक है हम रिटर्न अमेंड कर लेते हैं, पैसे बच जाएंगे। और ऐसा सवाल आया भी था और हमने देखा भी था, मिसिलिनियस एग्जेम्पशंस। WBBF से कोई अमाउंट मिले एग्जेम्प्ट है, परक्विजिट विदाउट मार्जिनल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर 53A, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कहा अगर कोई एम्प्लॉई रेस्टोरेंट होटल इंडस्ट्री में काम कर रहा है या कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है या हॉस्पिटल में काम कर रहा है और उसका एम्प्लॉयर उसे कोई बेनिफिट देता है उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड, यानी कि मुफ्त खाना दे रहा है, यानी कि उसके बच्चों की मुफ्त तालीम दे रहा है, यानी कि उसका मुफ्त इलाज हो रहा है, तो हमने कहा अब ये चीजें टैक्सेबल उसके लिए। लेकिन ये एग्जेम्पशन सिर्फ उन्हीं तीन इंडस्ट्रीज के लिए एप्लीकेबल होगी और किसी इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। मिसिलिन, अच्छा ये हो गई बात। गवर्नमेंट एम्प्लॉय लीव्स प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट अगर उसको मिल रही है तो वो भी एग्जेम्प्ट है। अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्किंग आउटसाइड पाकिस्तान एग्जेम्प्ट है। ग्रांट रिसीव फ्रॉम सेंट्रल बेनेवोलेंट फंड एग्जेम्प्ट है। याद रख लेना बस ये सारी चीजें अगर आ जाती हैं तो टैक्सेबल मत कर देना, ठीक है। ब्रेक पे जा रहे हैं, 5 मिनट के अंदर ईसॉस रिकैप करूंगा, ब्रेक 5 मिनट, 5 मिनट से भी कम में ईसॉस पूरा रिकैप हो जाएगा, 5 मिनट से भी कम में। तवज्जा रखना, चार्ट बनाऊंगा नहीं मैं, इतनी मेहनत में करूंगा नहीं आज, ईसॉस को रिकैप कर रहा हूं, खामोशी से सुनोगे तो रिकैप हो गया। एम्प्लॉई शेयर ऑप्शंस की, सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को कोई भी बेनिफिट देता है वो टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को खुद का शेयर दे दे? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को शेयर ऑप्शन दे दे, हो सकता है। तो सर क्या ये भी कोई बेनिफिट है? डिपेंड करता है, देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में बेनिफिट है या नहीं है। सबसे पहला, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को शेयर ऑप्शन दे दिया, मतलब ये लो मेरी जेब में पड़े हैं मुफ्त के शेयर ऑप्शन, ये लो भाई शेयर ऑप्शन, मुफ्त के शेयर ऑप्शन दे दिए, सर क्या ये एम्प्लॉय के लिए कोई बेनिफिट है? कौन कहता है ये बेनिफिट है? मुफ्त के एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन जिसकी वैल्यू लाख रुपए है और वो मुफ्त में, जिसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू लाख रुपए है और मुफ्त में एम्प्लॉय को मिल गया, टैक्सेबल होगा? शेयर ऑप्शन टैक्सेबल नहीं होगा। ऑप्शन की वैल्यू चाहे एग्जामिनर लिख के दे दे 1 अरब रुपए है, ऑप्शन अगर है तो टैक्सेबल। जिस तरह मैंने बताया तो बोगो की किताब है, बोगो की किताब की वैल्यू है आज की दौर में 1.5 करोड़ रुपए, मिलती है 1000 रुपए की, लेकिन वैल्यू है 1.5 करोड़ रुपए की। लिखते हैं बोगो वाले कि आप ये किताब ले लें, आपकी 1.5 करोड़ रुपए की सेविंग्स गारंटीड है। वाह भाई, लेकिन क्या उस वजह से टैक्स वाला आपके घर पे आके रेट मार सकता है? 1.5 करोड़ रुपए की किताब पाई जाती है तुम्हारे घर में, टैक्स लाओ।
तो शेयर ऑप्शन का मिल जाना इज नॉट अ टैक्सेबल इवेंट। क्या बात समझ आती है? ऑप्शन का मिल जाना इज नॉट अ टैक्सेबल इवेंट। लेकिन सर ऑप्शन मेरे पास आया, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं उस ऑप्शन को सब्सक्राइब कराऊं, मैंने इसको बेच दिया और मुझे गेन आ गया। हमने कहा अब तो ये गेन रियलाइज हो गया, अब टैक्सेबल हो जाएगा। किस हेड में? सैलरी में। क्यों सैलरी में? क्योंकि ऑप्शन तुम्हें एम्प्लॉई ने, एम्प्लॉयर ने दिए थे, बेनिफिट तुम्हें किसने दिया? तो हमने कहा अगर ऑप्शन मिले, बड़े बड़े एक्सपायर हो गए, कन्वर्ट ही नहीं कराया, कोई बेनिफिट नहीं है। ऑप्शन डिस्पोज कर दिए, गेन आ गया, बेनिफिट है, टैक्सेबल होगा इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन सर ऑप्शन है, शेयर में कन्वर्ट करा लिया, शेयर में कन्वर्ट करा लिया। हमने कहा बहुत अच्छी बात होगी, शेयर में जब तुमने कन्वर्ट कराया तो शेयर मिल गए? हाँ सर मिल गए। जो शेयर तुम्हें मिले उसकी क्या वैल्यू चल रही मार्केट में? सर उसकी वैल्यू चल रही है 1000 रुपए। मैंने कहा जबरदस्त। उसकी कॉस्ट क्या हुई? उसकी कॉस्ट तुम्हें क्या पड़ी? सर एक तो मैंने उसका ऑप्शन परचेज किया था 50 रुपए में, फिर मैंने शेयर को सब्सक्राइब करने के दिए 400 रुपए, तो मेरी जेब से गए 450। अच्छा तो शेयर जो तुम्हें मिला उसकी वैल्यू 1000, जो जेब से तुम्हारे पैसे गए वो गए 450, तो तुम्हारे हाथों में गेन आ गया कितना? 550। सिंपल एज इजी एज दैट। लॉजिक, कॉमन सेंस। एम्प्लॉय शेयर स्कीम इज कॉमन सेंस, लफाजी काम नहीं आएगी, जहन में है ठीक कर लो। तो हमने कहा 550 रुपए अंडर द हेड सैलरी। अच्छा सर शेयर सब्सक्राइब करा लिए लेकिन शेयर्स को मैं बेच नहीं सकता माजरत के साथ, कंपनी ने कहा है इस पे रिस्ट्रिक्शन है। ओ हो हो, ये तो बड़ा अफसोस हुआ सुन के। तो ऑप्शन किस साल मिला? ऑप्शन सर मुझे मिला था 2019 में, तो माजरत के साथ 19 में कोई अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगी। तुमने वो ऑप्शन कन्वर्ट कब कराया शेयर में? 20 में। ओहो अच्छा अच्छा, जो शेयर्स मिले रिस्ट्रिक्टेड थे? जी सर रिस्ट्रिक्टेड थे, तो 20 में भी कोई अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगी माजरत के साथ। रिस्ट्रिक्शन कब रिमूव हुई? सर 2022 में। हमने कहा रुक जाओ, जैसे ही रिस्ट्रिक्शन रिमूव होगी अब तुम इससे फायदा उठा सकते हो, तुम इसको बेच सकते हो, नहीं भी बेचा तो तुम्हारी मर्जी, रिस्ट्रिक्शन रिमूव, तुम्हारे हाथों में बेनिफिट आ गया, अब ये टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा सर 2022 में जब रिस्ट्रिक्शन रिमूव हुई, जैसे ही मेरे हाथों में पड़ा हुआ था और रिस्ट्रिक्शन रिमूव हो गई, हमने कहा अच्छा जिस वक्त तुम्हारे हाथों में पड़ा हुआ था उस वक्त उसकी वैल्यू क्या थी जब रिस्ट्रिक्शन रिमूव हुई? हमने कहा उसकी वैल्यू थी सर 1000 रुपए। तुमने कन्वर्जन कॉस्ट कितनी पे की थी? 400 और 50 रुपए ऑप्शन के, 450। तो जब ये रिस्ट्रिक्शन रिमूव होगी, जिस साल में जाके रिमूव होगी उसी साल में ये बेनिफिट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन सर अगर रिस्ट्रिक्शन रिमूव नहीं हुई है, रिस्ट्रिक्टेड है, आपने कहा मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता, हाँ नहीं मिल सकता, टैक्सेबल भी नहीं होगा, हाँ नहीं होगा। लेकिन सर मैंने एक अपने दोस्त को, एम्प्लॉई को, मेरी कंपनी में काम करता है, टोपी ओपी करा के यही अनरिस्ट्रिक्टेड, यही रिस्ट्रिक्टेड शेयर उसको बेच दिए। कैसे बेच दिए भाई? सर मेरे एम्प्लॉयर ने अलाउ किया है कि विद इन द कंपनी किसी और एम्प्लॉय को बेचे जा सकते हैं। हमने कहा अब तुमने बेच दिए तो फिर तो जो भी गेन आया वो रियलाइज हो गया, तो अब वो गेन रियलाइज कर लो और सैलरी में चार्जेबल टू टैक्स कर दो। क्या ये बात समझ आती है? Yes, सबको बात समझ आती है? अच्छा लेकिन एक और चीज, जैसे ही रिस्ट्रिक्शन रिमूव हुई मेरे हाथों में पड़ा हुआ था, 1000 रुपए उसकी वैल्यू थी, 1000 रुपए उसकी वैल्यू थी, कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन 400, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन 50, टोटल कॉस्ट 450, 550 रुपए टैक्सेबल हो गया इन द हेड सैलरी। 2 महीने के बाद मैंने सर इसको मार्केट में सेल कर दिया। ओहो कितने में सेल कर दिया? सर 1200 रुपए आ रहे थे, 200 रुपए और मिल रहे थे, मैंने सेल कर दिया। तो भैया आपके हाथों में तो कैपिटल गेन भी आ गया, जबरदस्त बात। सर कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करूं? जिस वैल्यू पे आपने बेचा, किस वैल्यू पे बेचा? 1200। दिस इज कंसीडरेशन रिसीव्ड माइनस कॉस्ट। कॉस्ट क्या है? वो 400 जो कन्वर्जन कॉस्ट आपने पे की वो तो कॉस्ट है, 50 जो ऑप्शन की कॉस्ट आपने पे की वो तो कॉस्ट है,
प्लस एक थर्ड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट भी आएगा और वो होगा द अमाउंट टैक्स्ड इन द हेड सैलरी। इन तीनों को ऐड करो, अब ये बनी तुम्हारी टोटल कॉस्ट। बेच दो शेयर, जो गेन आता वो कैपिटल गेन, यानी कितना आएगा कैपिटल गेन? 200 रुपए। दिस इज ESOP फॉर यू। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं आफ्टर 10 मिनट्स, ठीक है? 12:10 हो रहे हैं, 12:20 पर वापस आपका मुकाबला सब। अब ऑनलाइन वाले बच्चे मुझसे सवाल तो पूछ रहे हैं, लेकिन अगर मुझसे क्यू एंड ए में पूछ लो, चैट